हे दोस्तों, मेरा नाम है अशोक। आज का टॉपिक है HTML5। वेबसाइट कैसे बनाते हैं, आज हम ये सीखेंगे। चलिए सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर लेते हैं। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट पेजेस से मिलके बनी होती है, जिसे हम वेब पेजेस कहते हैं। वेब पेजेस बनाते कैसे हैं वो हम सीखेंगे। वेब पेजेस के अंदर कॉन्टेंट रखा होता है, रिटन कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट, इमेजेस। इमेजेस में भी मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं, जेपीजी इमेज, पीएनजी इमेज। पीएनजी इमेज ट्रांसपेरेंट होती है। अगर एनिमेटेड इमेज की बात करें तो जीआईएफ इमेजेस। इसी प्रकार ऑडियो में भी बहुत सारे तरह के फॉर्मेट होते हैं, वीडियो में भी बहुत सारे तरह के फॉर्मेट होते हैं, और कुछ अदर फाइल्स भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि पीडीएफ फाइल। तो ये सारे का सारा कंटेंट के रूप में हम वेब पेजेस के अंदर लगाते हैं। हर पेज का एक टाइटल होता है। एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करने के लिए हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं, अगर हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे कि ये गूगल वेबसाइट ओपन करिए, ठीक है। इसके अंदर आप कहीं और जाना चाहते हैं, जैसे कि जीमेल पे जाना चाहते हैं, तो आप माउस इस जीमेल लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर ला रहे हैं और ये हाथ में कन्वर्ट हो गया। ये हाइपरलिंक है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लेके जाता है, तो ये हाइपरलिंक हुआ। अगर आप यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है गूगल, तो पेज के सबसे टॉप के ऊपर जो लिखा रहता है वो टाइटल कहलाता है, तो ये इसका टाइटल दे रखा है गूगल। URL की बात कर लेते हैं। ये URL शुरुआत होता है HTTP या HTTPS। अगर हम नॉर्मल वेबसाइट की बात करें तो HTTP अनइनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है, यानी कि उस साइट में जो कुछ भी होता है लिखा हुआ वो सारा का सारा यूनिवर्सल ओपन होता है, एनक्रिप्टेड नहीं होता है। लेकिन बैंक की वेबसाइट्स हुई या सिक्योर वेबसाइट हुई, वो सारा का सारा HTTPS यूज लेती है। S स्टैंड फॉर सिक्योर। HTTP का फुल फॉर्म हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S लगा देंगे तो सिक्योर। उसके बाद लगता है कॉलन स्लैश स्लैश www वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद आपका मेन वेबसाइट, जैसे कि ये गूगल कंपनी है। गूगल कंपनी ने अपना सर्वर बहुत सारी जगह रख रखे हैं। जैसे अगर हम इंडिया के सर्वर की बात करें तो ये इंडिया के अंदर जो वेबसाइट चला रही है वो co.in commercial.india, ठीक है, इंडिया के अंदर कमर्शियल वेबसाइट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफिशियल अगर इसका नाम लिया जाए तो google.com लिखते हैं हम तो, लेकिन जब हम इंडिया में इसे ओपन करते हैं तो ये इस सर्वर की तरफ डाइवर्ट कर देता है। चलिए एक वेबसाइट ओपन करते हैं, लिखने के बाद एंटर करते हैं। देखिए ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई। https://www.bkinfotech.com। देखिए ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद सिक्योर www.bkinfotech.com। आप देखेंगे तो ये हाइपरलिंक है, अबाउट अस हाइपरलिंक है, सर्विसेज हाइपरलिंक है, कॉन्टेक्ट अस हाइपरलिंक है, लॉगिन हाइपरलिंक है। यहां पर कुछ इमेजेस हैं, टेक्स्ट कंटेंट है। कॉन्टेक्ट अस पे जाते हैं हम, ये क्लिक करा और ये पेज उसी टैब के अंदर ओपन हो गया। हम चाहते हैं ये पेज नए टैब के अंदर ओपन हो, तो हमें क्या करना है, राइट क्लिक, ओपन इन न्यू टैब, तो ये नए टैब के अंदर ओपन हो गया। ये सारी चीजें हम सीखेंगे कि क्लिक करते ही सेम टैब में ओपन हो या न्यू टैब में ओपन हो।
प्रोसेसिंग रोकनी हो किसी भी पेज की, तो ये क्रॉस पे क्लिक करके इसको हम रोक सकते हैं कि आगे फर्दर ओपन ना हो। ये क्लोज कर देते हैं। वेबसाइट के बारे में हमने देखा, एक वेबसाइट मल्टीपल सिंगल वेब पेज से भी बन सकती है और मल्टीपल वेब से भी बन सकती है। एक वेबसाइट सिंगल वेब पेज से भी बन सकती है और ढेर सारे वेब पेजेस से भी बन सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर, क्या आप वेबसाइट की कोडिंग लिखेंगे किसमें? आपके लिए आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप विंडोज 7 या 10, आप विंडोज 7, 8, 10 किसी में भी देखेंगे तो नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। इसका इस्तेमाल आप HTML पेजेस की कोडिंग लिखने के लिए कर सकते हैं। हम गूगल में सर्च करते हैं अदर पॉपुलर सर्च टेक्स्ट एडिटर। ये गूगल वेबसाइट हमने ओपन कर लिए। इसमें लिख देते हैं हम टेक्स्ट एडिटर। एक नए टैब में ओपन कर रहा है हमने। फाइव बेस्ट फ्री टेक्स्ट एडिटर, सबसे पहले बात करते हैं हम नोटपैड प्लस प्लस। हमने अभी विंडोज के अंदर नोटपैड की बात करी थी, उसी तरीके से एक और सॉफ्टवेयर है नोटपैड प्लस प्लस। सिंटेक्स हाईलाइटिंग दिखाता है, यानी कि कोडिंग के साथ में कलर दिखाता है। अगर हम नोटपैड की बात करें तो ये बेसिक कलर ब्लैक कलर को ही दिखाता है, पर बाकी एप्लीकेशंस की बात करें जैसे नोटपैड प्लस प्लस तो ये कोडिंग को अलग अलग कलर में दिखाता है, जैसे ग्रीन कलर हुआ, ब्लू कलर हुआ, रेड कलर हुआ। ऐसे ही ब्रैकेट, कमोडो एडिट, विजुअल स्टूडियो कोड और मीटिंग वर्ड्स, ये सारे के सारे फ्री टेक्स्ट एडिटर हैं। आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहां पर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर दे रखा है। ये फ्री नहीं है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ट्रायल का कोई एंड नहीं होता, आप जब मर्जी जितना मर्जी है उतना तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पसंद आए तो आप इसे पेमेंट देके परचेज कर सकते हैं, यानी इसकी ट्रायल की कोई लिमिट नहीं है। आप इसका ट्रायल वर्जन डाउनलोड करें और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे परचेज कर लें। ये बहुत ही बढ़िया टेक्स्ट एडिटर है, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। चलिए शुरुआत करते हैं नोटपैड से ही। टैग क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है और वैल्यू क्या होता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैग की। HTML कोडिंग टैग से बनी होती है सारी के सारी। जैसे शुरुआती टैग का हम कहें तो HTML, ये एक टैग है। इस टैग को हम एंगल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, एंगल ओपनिंग ब्रैकेट, एंगल क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये HTML का ओपनिंग टैग हुआ। इसको क्लोज कैसे करेंगे? वापस एंगल ब्रैकेट के अंदर फॉरवर्ड स्लैश लगा के HTML लिखेंगे तो ये क्लोज हो गया। तो ये HTML ओपनिंग टैग, ये HTML क्लोजिंग टैग। इस टैग के अंदर अगर हम कुछ भी लिख देते हैं
तो वो एलिमेंट बन जाता है। जैसे इस टैग के अंदर हम लिखते हैं, स्टैक के अंदर हमने लिखा हेड, हेड ओपनिंग और हेड क्लोजिंग टैग। तो HTML अपने आप में टैग है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, लेकिन इसके अंदर ये हेड टैग और आ गया है, तो ये HTML एलिमेंट हो गया है। अब हेड के अंदर भी अगर हम कुछ रख दें तो ये हेड भी एक एलिमेंट बन जाएगा। चलिए हेड के अंदर भी हम रख देते हैं टाइटल टैग, ये टाइटल ओपनिंग, ये टाइटल क्लोजिंग टैग। तो ये टाइटल टैग हुआ और ये पूरा का पूरा एलिमेंट हो गया, हेड एलिमेंट हो गया, ये HTML एलिमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं बॉडी की, ये बॉडी ओपनिंग टैग और ये बॉडी क्लोजिंग टैग। इसको और अच्छा बनाने के लिए हम थोड़ा सा टैब दे देते हैं, इससे विजुअल फॉर्म में अच्छा दिखे। देखिए ये बेसिक सिंटैक्स होता है कंप्लीट HTML के लिए। HTML 5 की बात करें तो इसके अंदर आप जोड़ेंगे सबसे ऊपर डॉग टाइप डिक्लेरेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉग टाइप HTML, ये ब्राउजर को बताता है कि ये किस तरह की फाइल है। ये डिक्लेरेशन करता है कि ये जो फाइल हमने सेव करी है HTML के रूप में किस प्रकार की फाइल है, तो ब्राउजर उसको उसी हिसाब से रेंडर करता है। तो ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन हो गया। इसके बाद में HTML, HTML में हम लिखते हैं कि लैंग्वेज हम कौन सी यूज ले रहे हैं, तो LANG lang इज इक्वल टू, इसमें लिखते हैं हम इंग्लिश। टैग हमने देख लिया, एलिमेंट हमने देख लिया, एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी वैल्यू, ये एक एट्रीब्यूट है और ये एक वैल्यू है, ठीक है। तो ये HTML के अंदर एक प्रॉपर्टी हुई, लैंग्वेज की प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू है इंग्लिश। एक और टैग देखते हैं हम हेड के अंदर, मेटा टैग, मेटा कैरेक्टर सेट, इज इक्वल टू UTF-8। ये अब कंप्लीट हमारा HTML का एक बेसिक फॉर्मेट बन गया। अब इसके अंदर बॉडी के अंदर आप जो भी कोडिंग लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, वो सारा का सारा एक वेब पेज के रूप में अपन सेव कर सकते हैं। चलिए इस फाइल को हम सेव करते हैं, फाइल सेव एज, हम डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं HTML का, ये डेस्कटॉप सेलेक्ट करा, यहां पर नया फोल्डर क्रिएट करा HTML, और इस फोल्डर के अंदर ऑलरेडी क्रिएटेड है H, इस फोल्डर के अंदर हम इस फाइल को सेव करते हैं। जैसे कि हमने इस फाइल का नाम दिया 00 basic, ठीक है। अब अगर इस फाइल को मैं डायरेक्ट सेव कर देता हूं तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट के रूप में सेव होगी, जबकि हमें इसे बनाना है HTML, तो हम इसका एक्सटेंशन देंगे .html, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज,
और अभी भी इस फाइल को अगर आपने सेव कर दिया तो ये फाइल का नाम बन जाएगा 00basic.html.txt। हमें यहाँ पे सेव एज टाइप को बदलना पड़ेगा ताकि इसका एक्सटेंशन .html रहे। तो सेव एज टाइप के अंदर हम जाके कर देते हैं ऑल फाइल। अब इसका फाइल का नाम एज इट इज सेव हो जाएगा और एनकोडिंग भी हम चेंज कर देते हैं। एनकोडिंग इंग्लिश रखेंगे तो अगर हिंदी का कोई भी कंटेंट इसके अंदर डालेंगे तो वो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन मार्क डब्बे डब्बे बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं UTF-8 ताकि गूगल में जो हिंदी दिखती है उसको हम इसमें प्रिजर्व रख सकें और सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ये एक बेसिक फाइल अपनी सेव हो गई। इसमें अभी कुछ भी नहीं है, टाइटल भी नहीं दे रखा है। इस फाइल को हम ओपन करना चाहें तो देखिए सबसे पहले हम डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं। डेस्कटॉप के अंदर हम जाएंगे HTML फोल्डर के अंदर, ये HTML में आ गए और ये अपनी फाइल है। इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगी। आप अलग ब्राउजर में खोलना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करें ओपन विद। ओपन विद में आप अलग अलग ब्राउजर सेलेक्ट कर सकते हैं किस में ओपन करना है। फिलहाल हम क्रोम में ओपन करना चाहते हैं, ये डिफॉल्ट ब्राउजर बना हुआ है। डबल क्लिक करते ही ओपन हो गया। देखिए अभी हमने कोई टाइटल नहीं दिया है तो फाइल का नाम ही टाइटल के रूप में यहाँ पर आ गया और फाइल के अंदर अभी कोई कंटेंट नहीं है इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए ये फाइल है हमारी और ये ब्राउजर के अंदर ओपन है। हम इसके अंदर टाइटल दे देते हैं, जैसे टाइटल में लिख देते हैं हम वेलकम। लिखने के बाद में फाइल सेव, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर फाइल के नाम की जगह टाइटल आ गया है वेलकम। वेब पेज का टाइटल क्या बन गया है, वेलकम बन गया है। अब हम बॉडी की बात करते हैं। दिस इज अ लाइन। ये फाइल सेव करी, कंट्रोल एस से फाइल को सेव करा, ब्राउजर को रिफ्रेश करा तो देखिए ये जो हमने यहां पर लिखा है वो एज इट इज यहां पर शो कर रहा है। हम नोटपैड में एंटर देके एक नई लाइन लिखते हैं, दिस इज अ न्यू लाइन। ये नई लाइन के अंदर आई है, हम इसको सेव करते हैं। जब हम ब्राउजर में रिफ्रेश करेंगे तो ये नई लाइन में नहीं आएगा। इसका कारण है कि ब्राउजर स्पेसेस और एंटर इनको इग्नोर करता है, सिंगल स्पेस को ही मानता है, इसके अलावा बाकी सारे के सारे स्पेसेस को इग्नोर कर देता है। जैसे दिस इज अ लाइन तो मैं यहाँ थोड़े से स्पेसेस दे देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। देखिए फाइल में कोई अंतर नहीं आया क्योंकि जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस दिए हैं या फिर मैं एंटर देता हूँ तो वो उसको भी इग्नोर कर देता है। ये रिफ्रेश, देखिए लाइन नई लाइन के अंदर लिखा हुआ है लेकिन वहां पर एज इट इज आ रहा है। अगर हमने कोई भी कंटेंट नई लाइन में लिख के जाना है तो वहां पर हमें br टैग देना पड़ेगा। br ये सिंगल टैग होता है, इसका क्लोजिंग नहीं है। सेव करें, रिफ्रेश करें तो देखिए ये दिस इज अ लाइन और ब्रेक रो नई लाइन के अंदर आ गया, फिर स्पेसेस को इग्नोर कर दिया और दिस इज अ न्यू लाइन, ये देखिए शुरुआत से आ रहा है ये, तो ये ब्रेक रो। अगर आप स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं तो क्लोज करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे होता है एक स्लैश के साथ में इसको क्लोज कर दें तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों एक ही टैग के अंदर आ गया। इसी प्रकार आप एक लाइन दिखाना चाहते हैं दोनों के बीच में तो हॉरिजॉन्टल रूल HR, तो ये हमने HR कर दिया ब्रेक रो की जगह हॉरिजॉन्टल रूल। सेव करा और रिफ्रेश करा तो देखिए एक लाइन का सेपरेशन आ गया है यहाँ पर दोनों लाइनों के बीच में। यहाँ पर कोड अपने को दिख तो रहा है लेकिन ये और अच्छे से दिखे इसके लिए हम
कोई अच्छे से टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सबलाइम टेक्स्ट। कैसे डाउनलोड करेंगे सबलाइम टेक्स्ट को? आप गूगल में सर्च कर लें सबलाइम टेक्स्ट, ये देखिए ये इसकी वेबसाइट ओपन हो गई है, www.sublimetext.com। इस वेबसाइट के अंदर यहां डाउनलोड का लिंक दे रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल कर पाएंगे। यहां पर अलग अलग ब्राउजर दे रखे हैं, जैसे OS X का इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडोज का कर रहे हैं, विंडोज के अंदर 64 बिट का कर रहे हैं तो 64 बिट वर्जन लें, नहीं तो 32 बिट के लिए विंडोज को सेलेक्ट करें, लिनक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिनक्स को सेलेक्ट करें। इस पर क्लिक करते ही वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखा है, हम इसको ओपन करते हैं। क्लोज, इसको भी क्लोज करते हैं। सबलाइम टेक्स्ट, ये सबलाइम टेक्स्ट हमारे सामने ओपन हो गया। वही बेसिक सिंटेक्स हमने लिख रखा है, लेकिन ये देखिए अच्छे से कलर कोडिंग के साथ में आ रहा है, इससे हमें पता चलता है कि ये कोड बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। कलर कोडिंग से हर तरह की हाइलाइटिंग हो जाती है इसके अंदर, कि आपका टेक्स्ट किधर है, टैग किधर है, ओपनिंग टैग क्लोजिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी वैल्यूज सबको आप एक नज़र से देख सकते हैं, सरसरी निगाह से पता कर सकते हैं कहाँ क्या लिखा हुआ है। चलिए हम इसमें अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ओपन फोल्डर जो हमने डेस्कटॉप के ऊपर सेव करके रखा था, ये डेस्कटॉप और HTML, ये HTML फोल्डर सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर ओपन कर देते हैं। इसमें एक फाइल है basic00basic.html, ये फाइल हमारे सामने ओपन हो गई। अब इसमें जो भी हम चेंजेस करेंगे वो हमारे यहाँ ब्राउजर में रिफ्लेक्ट होता रहेगा। अभी फिलहाल हमने कोई चेंजेस नहीं करा है, बस एक लाइन स्पेस कम करी है केवल। ये जो हमने लाइन लिखी है एक्चुअली ये एक पैराग्राफ के रूप में है और इसे हमें p टैग देना है। ये पैराग्राफ ओपनिंग टैग और ये पैराग्राफ क्लोजिंग टैग, ऐसे ये दूसरा पैराग्राफ ओपनिंग टैग और ये पैराग्राफ क्लोजिंग टैग। ये हॉरिजॉन्टल रूल को हटा देते हैं हम। दो पैराग्राफ हो गए, अगर हम इसको एक लाइन में रखें और रिफ्रेश करें तब भी ये अलग अलग लाइन में शो होंगे। इसको कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। ये टैग है पी टैग, पी टैग के अंदर हमने टेक्स्ट लिख दिया है तो ये एलिमेंट हो गया। अब ये एलिमेंट पी टैग जो है वो ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है। ब्लॉक का मतलब है कि पूरे लाइन को कवर करेगा, इसके अंदर जो रखा हुआ है, इसके बाद आप जो भी कोड लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगा। अगर एक ही लाइन में टेक्स्ट आता है तो वो इनलाइन एलिमेंट कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पर बोल्ड टैग देते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना सीखते हैं, तो सबसे पहले बोल्ड के लिए बी ओपनिंग टैग और बी क्लोजिंग टैग देते हैं। तो ये देखिए ये पैराग्राफ के अंदर ही है और बोल्ड एलिमेंट में लाइन वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए लाइन ये बोल्ड हो गया है। ये कंट्रोल के साथ में इसको बड़ा कर देते हैं। कंट्रोल और माउस व्हील आप आगे या पीछे करेंगे, आगे करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा, पीछे करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। इसी प्रकार सबलाइम टेक्स्ट के अंदर ही आप यही काम
नोटपैड में भी कर सकते हैं और सबलाइन टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। मैं सबलाइन टेक्स्ट को प्रेफर करता हूँ। आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं डाउनलोड करना चाहते तो नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस ये कोडिंग इस्तेमाल करनी है, ये कोडिंग जिसमें भी लिखी हुई है उसमें वर्क करेगा, चाहे वो नोटपैड हो, चाहे सबलाइन टेक्स्ट हो, कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर हो। जो मैजिक होता है इस कोड की वजह से होता है। ये पैराग्राफ टैग है और ये ब्लॉक लेवल और इनलाइन हमने सीख लिया, इनलाइन क्या है और ब्लॉक लेवल क्या है। अब हम बात करते हैं हेडिंग की। HTML में 6 हेडिंग्स होती है, H1 से शुरू होके H6 तक चालू रहती है ये। तो हम H1 हेडिंग देते हैं, सबसे बड़ी हेडिंग होती है। एक वर्ड लिखा हमने मेन टॉपिक, इसको सेव करा और रिफ्रेश करा। ये देखिए, ये हमारा हेडिंग है मेन टॉपिक और इसके अंदर पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2। इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम ये कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से। ये पहले पैराग्राफ में पेस्ट कर देते हैं। इसी प्रकार वर्ड के अंदर दूसरा पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और ये दूसरे पैराग्राफ में पेस्ट कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं हमारे ब्राउज़र को। ये देखिए, ये मेन हेडिंग हो गया हमारा और ये पैराग्राफ 1 और ये पैराग्राफ 2, दो पैराग्राफ लिखे हुए, ये इस प्रकार दिखाई दे रहा है। तो ये पैराग्राफ टैग है, ये पैराग्राफ एलिमेंट है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसलिए इसके बाद जो भी लिखेंगे वो अपने आप नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगा। जैसे अगर हम वर्ड की बात करें तो ये सारा का सारा सेपरेशन, अगर मैं यहीं पे लिखता जाऊंगा तो ये इनलाइन चलता रहेगा, लेकिन अगर मैं एंटर देता हूँ तो नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाता है। तो नेक्स्ट लाइन नहीं बोल के उसे नेक्स्ट पैराग्राफ बोलते हैं कि एंटर से नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है। जैसे हम करके बताते हैं, एक नया पैराग्राफ हमने कुछ भी लिखा तो ये एक लाइन है, लेकिन ये एक पूरा का पूरा पैराग्राफ है जो एक ही लाइन के अंदर ख़त्म हो रहा है। आप जहाँ पे भी देखेंगे अधिकतर इस तरीके से देखेंगे कि एक हेडिंग होगी, एक पैराग्राफ, फिर हेडिंग और फिर पैराग्राफ। चलिए H2 हेडिंग देखते हैं। इसका टॉपिक दे दिया हमने सब हेडिंग। ये देखिए, पहला पैराग्राफ खत्म होते ही हमने ये दूसरा हेडिंग शुरू करा और ये H2 है। तो ये देखिए इसका साइज, ये सबसे बड़ा हेडिंग है और ये हेडिंग 2 है। तो मेन हेडिंग जो होगी हमारे H1 के रूप में देंगे और सेकंड जो लेवल हेडिंग होगी उसे H2 के रूप में देंगे। नॉर्मली सब हेडिंग कहते हैं जैसे, तो हेडिंग, सब हेडिंग और फिर कंटेंट, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर HTML के वर्जन्स की बात करें हम, तो ये देखिए HTML की हिस्ट्री, 91 के अंदर HTML, 95 के अंदर HTML 2.2 आया था, 97 में HTML 3.2, 99 के अंदर HTML 4.01, 2000 के अंदर XHTML और 2014 के बाद से हम HTML 5 इस्तेमाल कर रहे हैं। अलग अलग ब्राउज़र अलग अलग वर्जन को सपोर्ट करते हैं। कुछ पुराने ब्राउज़र्स HTML 5 की बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो XHTML को सपोर्ट करते हैं। चलिए एक बार हम सारी हेडिंग्स को देख लेते हैं। हमने H1 से लेके H6 तक बहुत सारी हेडिंग्स लिख दी है, टोटल 6 हेडिंग लिखी है। H1 में हमने लिखा है दिस इज हेडिंग 1, H2 दिस इज हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग 3। इसको हम सेव करते हैं और ब्राउजर में रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए, ये सबसे बड़ी हेडिंग है, हेडिंग 1, ये सेकंड लेवल हेडिंग है, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और ये हेडिंग 6। तो ये हेडिंग 6 इस प्रकार दिखाई देती है और हेडिंग 1 इस प्रकार दिखाई देती है।
अब हम बात करते हैं हाइपरलिंक्स के बारे में। एंकर टैग जो हाइपरलिंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंगल ब्रैकेट ए और एचरेफ। अब इसके अंदर हमें कुछ लिखना पड़ेगा जिसके ऊपर ये हाइपरलिंक दिखाई दे। फिलहाल हम टेक्स्ट लिखते हैं एक और एजुकेशनल वेबसाइट, ये टेक्स्ट लिखा मैंने और इसे सेव कर दिया। ये सेव करा, ये रिफ्रेश करा तो ये देखिए ये टैग आ गया हमारा ए एच रेफ। एच रेफ में एफ डबल नहीं है, सिंगल एफ है। https://, ये क्लिक करने के बाद में ये वेबसाइट के ऊपर लेके आ गया है। ठीक है, ये उसी टैब में ओपन कर दिया है। ये बैक जाएंगे तो हमें हमारी कोडिंग दिखाई देगी यहाँ पर। इसका सोर्स कोड देखना हो तो आप इस पे राइट क्लिक करें और व्यू पेज सोर्स पे क्लिक कर दें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे एक नए टैब के अंदर जो कोडिंग हमने यहाँ पे लिखी हुई है वही कोडिंग यहाँ पे शो कर रहा है एज इट इज। तो आप किसी भी पेज की सोर्स कोड को देख सकते हैं, बस राइट क्लिक करें और व्यू सोर्स कोड पे क्लिक कर दें तो आपको पेज का सोर्स कोड दिखाई दे जाएगा। तो ये हमारे पेज का सोर्स कोड है। ठीक है, ये हाइपरलिंक हुआ। चलिए इस हाइपरलिंक की कुछ कॉपियां करते हैं। स्लैश कॉन्टेक्ट अस, इसका नाम दे देते हैं कॉन्टेक्ट अस। फाइल को सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास दो हाइपरलिंक है। एक तो है हमारा और एजुकेशनल वेबसाइट, इसमें पूरी की पूरी अंडरलाइन आ रही है। इसके बाद जा रहे हैं कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे कॉन्टेक्ट अस पेज पे ले जाएगा डायरेक्टली। तो आप लिंक्स के साथ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा आई स्टार्टअप का एड्रेस है, लोकेशन है, नीचे गूगल मैप आ रहा है, ये पॉइंटर है, मार्कर, मार्कर पे क्लिक करते हैं तो इसकी डिटेल शो करता है। चलिए इसको क्लोज कर दिया। डेस्कटॉप पे हमारी फाइल रखी हुई है HTML के अंदर, ये डेस्कटॉप। ये HTML फोल्डर, डबल क्लिक इस पर, क्लिक और ये वापस ओपन कर लेते हैं। ये आ गई हमारी फाइल। चलिए हाइपरलिंक के बाद में देखते हैं हम इमेज। इमेज टैग होता है IMG से शुरू होता है और सोर्स के लिए SR से लिखते हैं कि इमेज कहां पर रखी हुई है। IMG SRC सोर्स, सोर्स तो SRC। आप ये ध्यान रखना वर्ड को SCR नहीं करें, SRC लिखना है आपको। सोर्स इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर आप किसी भी इमेज का नाम दे सकते हैं, जैसे हम एक विश का लिखते हैं GOOD गुड। SRC के अंदर हमें इमेज का नाम लिखना है,
उसके बाद में स्टैक को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर वो इमेज आपके फोल्डर में होना ही चाहिए या फिर किसी यूआरएल होना चाहिए। वो इमेज कहाँ पर रखी हुई है? आपके फोल्डर के अंदर रखी हुई है तो डायरेक्ट नाम दे देंगे, और किसी वेबसाइट पर रखी हुई है तो उस वेबसाइट का पूरा एक एड्रेस दे देंगे। जैसे हम एक इमेज सर्च करते हैं, PKINFOTCHAJMER बीके इन्फोटेक अजमेर, ये इमेजेस को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए ढेर सारी इमेजेस आ रही हैं, इसमें से एक पर्टिकुलर इमेज का एक एड्रेस ले लेते हैं। जैसे ये इमेज आ रही है, इस पर क्लिक करते हैं और इस इमेज का एड्रेस लेने के लिए इस पर राइट क्लिक करते हैं और कॉपी इमेज एड्रेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे हमारे पास इमेज एड्रेस इसके अंदर कॉपी हो गया है। अब ये इमेज एड्रेस को हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो ये HTTP और इस तरीके से आ रहा है। अब इसको हम सेव करके हमारे ब्राउज़र के अंदर देखते हैं कि वो इमेज हमें वहाँ पर शो होती है कि नहीं होती है इस हाइपरलिंक के बाद में। ये देखिए जैसे क्लिक करा और ये इमेज हमको वहाँ पर शो हो गई। इस इमेज की प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं हाइट और विड्थ, HEIGHT हाइट इज इक्वल टू डबल कोट और WIDTH विड्थ इज इक्वल टू डबल कोट। इसके अंदर आपको वैल्यू लिखनी है। जैसे हाइट हम कर देते हैं 500 और विड्थ हम कर देते हैं 300, तो ये पिक्सल्स के अंदर आएगी। ये कंट्रोल S और ये रिफ्रेश करा तो देखिए इसकी हाइट बढ़ गई। इसको फुल पेज पे देखते हैं, ये हाइट और विड्थ। अब चेंज करते हैं, हाइट को कर देते हैं 300 और विड्थ को कर देते हैं 500। चलिए 500x800 ये रिफ्रेश, ये देखिए ये इसकी विड्थ और हाइट हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इमेज आपके लोकल कंप्यूटर के ऊपर रखी हुई है, जैसे कि इसी इमेज को हम अपने फोल्डर के अंदर सेव कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे इमेज के ऊपर और सेव इमेज एज, और इसको हमें सेव करना है डेस्कटॉप के अंदर HTML फोल्डर के अंदर ये HTML फोल्डर, और इसका नाम दे देते हैं welcome.jpg। ये welcome.jpg हमारी लोकल फाइल सेव हो गई। अब ये इमेज तो हमारे पास केवल और केवल तभी आएगी जब इंटरनेट चल रहा हो। अगर इंटरनेट बंद कर दिया हो तो ये इमेज हमारे पास में शो नहीं होगी। तो किसी भी कारण से इमेज शो नहीं हो और वहाँ पे हम कुछ रेफरेंस देना चाहते हैं कि यहाँ पे एक इमेज थी, किस प्रकार की इमेज थी, तो उसके लिए हम ऑल्ट का इस्तेमाल करते हैं, ALT। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ALT इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर ये वेलकम, ठीक। तो ये ऑल्ट के रूप में दिखाई देगा। हमने यहाँ से कुछ कोडिंग में गड़बड़ कर दी टाइपिंग करते हुए, वो इमेज हमें वहां पर शो नहीं होगी। ठीक है, पर ब्राउजर उसको समझ जाएगा कि वहां पर क्या है। लोकल फाइल का नाम देते हैं हम welcome.jpg welcome.jpg। ये फाइल सेव करी
और ये रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हमारी फाइल आ गई वही हाइट और विड्थ के साथ में। पहले आप विड्थ लिखें फिर उसके बाद हाइट लिखें, तो ये बोलने में भी आसान रहेगा। और जनरली यही फॉर्मेट काम में लेते हैं, विड्थ हाइट विड्थ हाइट विड्थ हाइट। वॉलपेपर का साइज ही है 800 बाई 600। ये रिफ्रेश, ये स्टैंडर्ड वॉलपेपर का साइज 4:3 स्क्रीन के लिए। देखिए हमारी इमेज किसी कारण से, जैसे हमने यहाँ गलत नाम लिख दिया है और वहाँ पे इमेज का एक छोटा सा आइकन बना हुआ आ रहा है और उसके साथ में वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है कि ये किस प्रकार की थी, ऑल्ट टेक्स्ट वेलकम। अलग अलग ब्राउजर के अंदर अलग अलग तरीके से इमेज फंक्शन करती है, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर आपने फाइल का नाम कैपिटल W लिख के शुरुआत करी है वेलकम, यानी आपको एज इट इज रखना पड़ेगा, वहां फाइल का नाम कैपिटल लेटर से शुरू करा तो यहाँ पे भी आपको कैपिटल लेटर से शुरू करना पड़ेगा। अधिकतर ब्राउजर इसको अच्छे से सही कर देते हैं, लेकिन कुछ ब्राउजर होते हैं जो वो इस फाइल को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, वो वही फाइल ढूंढते हैं जिस फॉर्मेट में लिखी हुई होती है। अपर केस में लिखा तो अपर केस, लोअर तो लोअर, तो जैसा लिखा हुआ है एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। तो आप फाइल का नाम लिखते हुए हमेशा ध्यान रखें कि कोशिश करें सारी फाइलों का नाम लोअर केस के अंदर, और HTML के सारी कोडिंग को भी लोअर केस के अंदर रखें। ऐसा करने पे आपकी इमेज आपको शो हो जाएगी। HTML के अंदर देखते हैं बटन, ये हमने बटन लिखा, ओपनिंग बटन, क्लोजिंग बटन, और इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है क्लिक मी, कंट्रोल एस और रिफ्रेश। इस इमेज के नीचे यहाँ पर ये हमारा देखिए ये बटन आ गया, क्लिक करते ये एनिमेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट चेंज कर देंगे, मी की जगह हेयर कर देते हैं, ये देखिए रिफ्रेश करते ही क्लिक हेयर लिखा हुआ आ गया। ये बटन, इस तरीके से हम बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस फाइल को नए नाम से सेव करते हैं। यह हमारा बेसिक फॉर्मेटिंग है, इसका तो हम हर हालत में इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको तो हम एज इट इज सेव कर देते हैं 00 बेसिक के नाम से, और एक नई फाइल बनाते हैं उसके अंदर ये हमारा फर्स्ट पेज जो है उसको सेव करते हैं, फाइल सेव एज और 01 FIRST, ये हमने फाइल का नाम दे दिया और ये सेव कर दिया। अब हम सेकंड फाइल बनाते हैं, बहुत ही आसान रहेगा कि हम इस बेसिक को ओपन कर लें और इसको नए नाम से सेव एज कर लें, फाइल सेव एज अब 02 सेकंड फाइल, और ये सेव कर दिया। तो हमारे पास में तीन फाइलें हो गई, एक बेसिक, एक फर्स्ट और एक सेकंड। अब सेकंड के अंदर हम चेंज करते हैं, जैसे हम लिस्ट आइटम्स के बारे में देखते हैं, लिस्ट आइटम्स दो तरह की होती हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरुआत होती है UL से, UL, और इसके अंदर जो आइटम्स आते हैं वो लिस्ट आइटम्स के रूप में आता है, LI ओपनिंग टैग, LI क्लोजिंग टैग, और ये UL क्लोज। तो देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरुआत हुई, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज हुई,
और अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट आइटम क्या क्या है वो लिस्ट आइटम के अंदर रखेंगे। चलिए लिस्ट आइटम्स की कुछ कॉपी बना लेते हैं। पेन, कॉपी, बुक और बॉक्स, ये सेव करते हैं। और ये हमारा फाइल का नाम चेंज हो गया है, तो यहाँ पे हमें फाइल दूसरी ओपन करनी पड़ेगी। हम चाहें तो यहाँ डायरेक्ट एड्रेस बार में वो नाम लिख के भी हम कर सकते हैं। जैसे ये फाइल का नाम क्या है हमारा, 02 सेकेंड, और एंटर करेंगे तो देखिए ये हमारी सेकेंड वाली फाइल। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये बुलेट्स के रूप में हमें शो हो रही है। अगर ऑर्डर्ड लिस्ट कर देते हैं इसको OL, तो बस ये ऑर्डर्ड लिस्ट के रूप में आ जाएगी। ऑर्डर्ड लिस्ट में न्यूमेरिक नंबर के साथ में आती है, देखिए 1 2 3 4, ये ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप चाहें तो टाइप चेंज कर सकते हैं, दोनों ही तरह के लिस्ट में आप टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम करते हैं टाइप इज इक्वल टू और कैपिटल ए, ये कंट्रोल सेव कर दिया, ये रिफ्रेश करा तो देखिए अब सीरीज जो है कैपिटल ए बी सी डी की बन रही है। स्मॉल ए, ये सीरीज अब स्मॉल ए बी सी डी की बनेगी। ये नंबर 1, ये 1 से बन रही है। इसी प्रकार अगर हम UL की बात करें अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो टाइप होता है वो सर्किल, स्क्वायर और डिस्क होता है। CIRCLE, कंट्रोल एस, ये देखिए। चलिए इसकी और कॉपी बना लेते हैं। सर्किल के बाद स्क्वायर, ये रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये बुलेट्स आ रहे हैं सर्किल के रूप में, बुलेट्स आ रहे हैं स्क्वायर के रूप में। एक और कॉपी करते हैं DISC, डिस्क। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हो गया, सर्किल, स्क्वायर और डिस्क। ऑर्डर्ड लिस्ट में हमने देखा है 1 2 3, कैपिटल ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी या रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स के लिए आप स्मॉल आई का इस्तेमाल करेंगे तो स्मॉल रोमन नंबर्स आएंगे, अगर आप कैपिटल आई का इस्तेमाल करेंगे तो कैपिटल रोमन नंबर्स आएंगे। ये देखिए ये आपका लिस्ट आइटम्स। तो इस फाइल को हम लिस्ट के रूप में ही सेव कर देते हैं। फाइल सेव एज 002 लिस्ट, सेव। तो ये देखिए लिस्ट के रूप में फाइल सेव हो गई। यहाँ ब्राउजर में हम इसका नाम चेंज कर दिया है तो एड्रेस बार में भी चेंज करते हैं 002 LIST लिस्ट, कंट्रोल एस और एंटर। लिखने के बाद एंटर करेंगे ये हमारा लिस्ट आइटम आ गया। फर्स्ट फाइल को एक बार वापस ओपन करते हैं। जीरो वन फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट फाइल ओपन हो गई। जैसे हम यहाँ पर कुछ स्पेसेस और एंटर्स को एज इट इज़ रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर कोई एंटर दे दिया मैंने
यहाँ टू के बाद स्पेस दे दिया है, हम चाहते हैं ये एज इट इज सेव रहे। अभी फिलहाल सेव करके रिफ्रेश कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। हम इसको प्रिजर्व रखना चाहते हैं तो हमें इसे एक प्री टैग देना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ से करना चाहते हैं प्रिजर्व, तो ये पी आर ई प्री टैग ओपन, और कहाँ तक क्लोज करना चाहते हैं वहाँ तक कोड प्रिजर्व रखना चाहते हैं, जैसे ये एंड का ही आ गया यहाँ पर स्लैश प्री टैग। तो अब इसके बीच में आप जितने भी स्पेसेस और एंटर्स देंगे वो सारे के सारे प्रिजर्व रहेंगे। ये देखिए यहाँ जितना भी आपने स्पेस दिया वो सारा का सारा, यहाँ यू के लिए एंटर दे देता हूँ कंट्रोल एस और ये रिफ्रेश, तो देखिए ये यू नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गया, तो ये एज इट इज प्रिजर्व रहेगा। स्पेसेस, टैब्स, ये हमने टैब हटा दिया इसका, रिफ्रेश करा तो देखिए लाइन के शुरुआत में, यहाँ वॉन्ट के बाद में दो टैब ये दो टैब, और टाइप से पहले एक स्पेस, ये सेव बढ़ा दिया हमने, तो देखिए यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, यहाँ दो टैब मिल गया है और ये टाइप से पहले एक एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर आ गया। फिलहाल प्री टैग हटा देते हैं, नॉर्मली स्टाइल को हम हेड के अंदर लगाते हैं, हम हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग देते हैं, ये स्टाइल ओपनिंग और ये क्लोजिंग टैग। अब स्टाइल के अंदर ये सी एस एस लगता है, कास्केड स्टाइल शीट सी एस एस। HTML फाइल में सिर्फ स्टाइल टैग लिखने से काम चल जाता है, इससे पुराने ब्राउजर के अंदर हमें स्ट्रिक्टली बताना पड़ता है कि वो किस तरह की फाइल है। यहाँ पर हमने अलग अलग टैग्स पढ़े, जैसे हेडिंग टैग दे रखा है H1 से लेके H6, तो हम यहाँ हेडिंग 1 के ऊपर कुछ स्टाइल लगाना चाहते हैं, तो ये H1 लिखा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम इसको कुछ स्टाइल देना चाहते हैं, जैसे कि कलर देना चाहते हैं, तो कलर कौन सा कलर लेना चाहते हैं, हमने लिखा रेड कलर देना चाहते हैं। तो यहाँ जो भी आप लिखेंगे वो लाइन टर्मिनेट होगी सेमी कॉलन के साथ, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी हमारी कलर और वैल्यू है हमारी रेड। ये सेव करा, ये H1 पे लगेगी, H1 कितने हैं, जितने भी H1 होंगे उन सब पे लग जाएगा। ये देखिए ये H1 रेड, ये H1 रेड, अगर हम इसको चेंज कर दें H2 तो जितने भी H2 होंगे वो सारे के सारे रेड कलर में हो जाएंगे। ये देखिए दो जगह H2 थे वो दो जगह रेड कलर के अंदर हो गया। तो हम सबको अलग अलग कलर देते हैं, जैसे H1 एक नई प्रॉपर्टी लिखते हैं हम, यहाँ लगातार हमने कॉपी पेस्ट करी और यहाँ पे हम बीच में लिख देते हैं GREEN ग्रीन। तो देखिए सबसे पहले फाइल को ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ता आएगा, तो H1 को ये रीड करेगा कि कलर क्या करना है, रेड करना है। फिर सेकंड लाइन में कहेगा H1 का कलर क्या करना है, ग्रीन करना है। फिर थर्ड लाइन में आएगा H1 का कलर क्या करना है, रेड करना है। तो इसमें जो लास्ट में आएगा वही जीतता है, CSS कास्केड स्टाइल शीट के अंदर यही रूल अप्लाई होता है, जो लास्ट में आएगा वही विन करेगा। तो अभी सबसे लास्ट में कौन सा कलर आ रहा है, रेड कलर, हम इसको सेव करते हैं और ये रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए रेड कलर आ रहा है। तो यहाँ हम तीनों का अलग अलग कलर लिख देते हैं BLUE, सबसे पहले ब्लू कलर, ब्लू कलर रेड करा कि ब्लू कलर लगाना है, फिर वापस चॉइस चेंज हो गई, नहीं H1 पे अब ग्रीन कलर लगाना है, नहीं फिर से चॉइस चेंज हो गई, अब क्या लगाना है, रेड कलर लगाना है। तो जो सबसे लास्ट में आएगा वही विन करेगा। तो ये हमारे हेड टैग के अंदर हमने स्टाइल दिए, अब हम इनलाइन स्टाइल देते हैं, जैसे कि ये वाली हेडिंग है, ये सबसे फर्स्ट हेडिंग ले लेते हैं, ये सबसे फर्स्ट हेडिंग है, इसके अंदर हमें देना है स्टाइल STYLE स्टाइल इज इक्वल टू, और इसके अंदर वही COLOR कलर कॉलन, और यहाँ जो भी कलर हम देना चाहते हैं, जैसे येलो, ये सेव करा और ये रिफ्रेश करा, तो देखिए क्या हुआ,
यहाँ ऊपर से पढ़े हैं H1 का कलर क्या करना है, ब्लू करना है, फिर सेकंड लाइन में क्या कहा, ग्रीन करना है, फिर थर्ड लाइन में क्या करना है, रेड करना है। यहाँ के बाद में ये वापस H1, पहला जो H1 शुरू हो रहा है उसमें इन लाइन स्टाइल लिखी हुई है, वो इन लाइन स्टाइल क्या कह रही है, इसका कलर क्या करना है, येल्लो करना है। अब कलर यहाँ पर येल्लो हो रहा है सिर्फ इन लाइन स्टाइल की वजह से, सिर्फ इसी H1 टैग के ऊपर लागू होगा। इसके बाद ये नीचे एक और H1 टैग है हमारा, इस H1 के ऊपर नॉर्मल रूल लागू होगा जो हेड टैग के अंदर लिखा हुआ है रेड कलर। तो यहाँ पे हमने बेसिक सबको रेड दे दिया, उसके बावजूद भी इनलाइन के अंदर कलर चेंज कर दिया, तो लास्ट रूल विंस करता है इसके अंदर CSS के अंदर। चलिए एक प्रॉपर्टी और देते हैं, ये मेन कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हम देते हैं, ये देखिए ये H1 मेन, इसका कलर येल्लो क्यों आ रहा है, क्योंकि इनलाइन स्टाइल के अंदर हमने येल्लो दे रखा है यहाँ पर, और बाकी के अंदर रेड आ रहा है। तो ये बैकग्राउंड कलर हम इस तरीके से लगा सकते हैं, ये इनलाइन के अंदर भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड कलर लाइन, जैसे हम ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी के ऊपर लगाते हैं, इस पैराग्राफ पे लगाते हैं। स्टाइल इक्वल टू डबल कोट में ये बैकग्राउंड कलर लाइन, तो अब जितने भी पैराग्राफ होंगे उनका बैकग्राउंड कलर लाइन हो जाएगा। हमने ये सेकंड पैराग्राफ पे लगाया है इन लाइन के अंदर, इसलिए हम इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहते हैं, तो सेमी कॉलन से दो प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम कलर दे देते हैं, ये जो कलर वर्ड है ये टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है और बाकी चीज़ें बैकग्राउंड के लिए, बैकग्राउंड, तो ये कलर, ये कॉलन और ब्लू कर देते हैं, BLUE ब्लू। तो ये दो प्रॉपर्टी हमने दी है यहाँ पर, एक तो कलर प्रॉपर्टी दी है और एक बैकग्राउंड कलर दी है, और इसकी वैल्यू, कलर की वैल्यू है ब्लू और बैकग्राउंड कलर की वैल्यू है लाइन। देखिए ये ब्लू कलर का टेक्स्ट हो गया। तो CSS से हम इसकी स्टाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, तो CSS से हम इसके स्टाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये फाइल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, अगर हम चाहें तो इसी फाइल, इसी कोड को किसी अन्य फाइल में लिखकर उसको इस फाइल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, वो हो जाएगी आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइल के अंदर, हेड टैग के अंदर दिया तो ये एम्बेडेड स्टाइल शीट हो गई, इसी के अंदर ये इनलाइन स्टाइल शीट हो गई टैग के अंदर, और स्टाइल कोड को किसी अन्य फाइल में रखा है तो वो एक्सटर्नल फाइल होगी, एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल जो फाइल बनाएंगे उसका एक्सटेंशन CSS रखेंगे, कास्केड स्टाइल शीट, जैसे अपन वेब पेजेस का रख रहे हैं .html, वैसे ही उसका .css रखेंगे। स्टाइल के अंदर ही हम और देखते हैं, जैसे ये ऊपर वाला पैराग्राफ, ये H1, यहीं पे एक स्टाइल और दे देते हैं हम, जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। टेक्स्ट डैश अलाइन CNTR सेंटर, सेव करते हैं। ये हम दे रहे हैं फर्स्ट वाले H1 टैग के अंदर, तो ये देखिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। ये लेफ्ट प्रॉपर्टी कर दी हमने, तो ये लेफ्ट अलाइन हो गया, लेफ्ट की जगह हम कर देते हैं राइट, RIGHT। ये देखिए टेक्स्ट अब राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, और हम सेंटर में रखना चाहते हैं तो CNTR सेंटर, और ये टेक्स्ट सेंटर के अंदर आ गया। कलर की स्पेलिंग का ध्यान रखें, इंग्लिश के अंदर COLOUR और COLOR दोनों को ही एक्सेप्ट कर रखा है अभी करेंट डिक्शनरी ने, तो बाकी HTML कोडिंग के अंदर आप U का इस्तेमाल नहीं करेंगे, COLOR कलर के लिए COLOR यही इस्तेमाल करेंगे।
बेसिक फॉर्मेटिंग में हमने बोल्ड फॉर्मेटिंग देखी थी, हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों लगा के देखते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे, तो वीडियो को हम कर देते हैं बोल्ड। ये बी टैग लगा दिया वीडियो शब्द के दोनों तरफ, ये क्लोजिंग टैग, तो वीडियो हमारा हो गया बोल्ड। ये रिफ्रेश करा तो ये देखिए ये वीडियो यहाँ पर बोल्ड के रूप में आ गया। प्रोवाइड वर्ड को कर देते हैं इटैलिक, ये आई टैग और प्रोवाइड के बाद में स्लैश आई, तो इसके तुरंत बाद में ये देखिए इटैलिक हो गया, इटैलिसाइज हो गया ये थोड़ा सा। और पावरफुल के लिए कर देते हैं अंडरलाइन, तो ये यू टैग पावरफुल को अंडरलाइन कर देते हैं। ये रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखिए ये बोल्ड, ये इटैलिक और ये अंडरलाइन। इन टैग्स का ध्यान रखें, जहां शुरू कर रहे हैं सबसे पहले वही क्लोज होगा। जैसे ये बोल्ड टैग शुरू हो रहा है तो ये बोल्ड ही सबसे पहले क्लोज होगा, ऐसा नहीं होगा कि इस बोल्ड को आप इस आई के अंदर जाके क्लोज करें। जो पहले शुरू हो रहा है वही पहले खत्म होगा इसके अंदर। प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग, जैसे ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इन सब के ऊपर ये पी टैग है तो पी टैग पहले क्लोज होगा, उसके बाद में ये बॉडी टैग क्लोज होगा। अगर हमें कोई कोटेशन मार्क देना हो किसी को तो क्यू टैग लगा के हम कोटेशन मार्क दे सकते हैं। जैसे ये हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट, इसको हम क्यू टैग के अंदर दे देते हैं। हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट, ये रिफ्रेश करा तो ये देखिए डबल कोटेशन मार्क के अंदर आ गया ये, तो ये क्यू टैग से डबल कोटेशन मार्क के अंदर आ जाता है। आपको किसी को अलग से ये उभारना है तो उसके लिए हम कहते हैं ब्लॉक कोट। जैसे यहां शुरू हो रहा है ये यू कैन ऑल्सो, अगर यहां पर आप देखें ये रहा यू कैन ऑल्सो वाला, तो हम इसके ऊपर ब्लॉक कोट लगाते हैं। ये ब्लॉक कोट लगा दिया, क्लोज कर दिया, ये सेव करा और ये रिफ्रेश करा, ये देखिए ब्लॉक कोट अलग से डिफाइन हो रहा है। इसके बाद में एक और पी टैग लगाते हैं। अब इस पी के अंदर हम लिख देते हैं जैसे ये किसी ने कहा है तो ये लिख दिया हमने अशोक सर, तो ये जस्ट इसके नीचे की तरफ आ रहा है। हम चाहते हैं ये राइट साइड के अंदर आए तो हमें इसकी स्टाइल के अंदर वैल्यू देनी पड़ेगी। इस टाइप को हम ब्लॉक कोट के अंदर ही डाल देते हैं। ये देखिए ब्लॉक कोट के अंदर आ गया। अब इसका लोकेशन चेंज कर देते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट से, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर टेक्स्ट डैश अलाइन, और टेक्स्ट अलाइन का हम कर देते हैं RIGHT राइट, राइट साइड में अलाइन कर देते हैं। सेव करा और ये रिफ्रेश करा तो ऐसा लगता है जैसे ये किसी ने कोट कहा है और किसने कहा है उसका नाम यहाँ पर आ गया है, तो उसे मैंने मेरा ही नाम लिख दिया। एक वर्ड है जैसे हमने अभी अभी पढ़ा था वर्ल्ड वाइड वेब WWW, ठीक है, ये हमने वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पर लिख दिया प्रोवाइड WWW हेडर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है
प्रोवाइड हेडर्स, इसके अंदर हमने बीच में www शामिल कर दिया, ये सेव करा है इसको और ये ब्राउज़र में रिफ्रेश करा तो देखिए प्रोवाइड www हेडर। अब इस www के ऊपर हम चाहते हैं इसका पूरा नाम आए तो उसको एब्रीविएशन कहते हैं, तो एब्रीविएशन का टैग लगा के हम लिख सकते हैं कि क्या एब्रीविएशन देना है। तो एब्रीविएशन के लिए लिखते हैं हम ABB, ABBR, और क्या टेक्स्ट हमें दिखाना है वो टाइटल के रूप में लिखते हैं, TITLE, टाइटल इज इक्वल टू डबल कोट WORLD वर्ल्ड WID वाइड और वेब, ये डबल कोट क्लोज, और ये एब्रीविएशन www के बाद में ABBR क्लोज कर दिया, और ये रिफ्रेश करके देखते हैं एब्रीविएशन कैसे दिखाई देता है। तो जब मैं माउस इसके ऊपर लिख के आता हूँ www के ऊपर, तो टूल टिप की तरह हमें एब्रीविएशन दिखाई दे रहा है, माउस पॉइंटर के नीचे वर्ल्ड वाइड वेब लिखा हुआ। अगर किसी टेक्स्ट की आपको डायरेक्शन बदलनी हो तो वीडियो टैग का इस्तेमाल करते हैं, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड BDO, या फुटर कवर यहाँ से चालू करते हैं हम ये BDO, राइट टू लेफ्ट, और ये BDO क्लोज कर दिया, ये रिफ्रेश, ये देखिए ये पूरा राइट टू लेफ्ट आ गया हमारा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फुटर कवर पेज लिखा हुआ है, फुटर कॉमा कवर पेज, और यहाँ से जब आप पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ आ गया, लेफ्ट टू राइट LTR, ये देखिए LTR करते ही वापस सही आ गया। तो टेक्स्ट किस डायरेक्शन में लिखना है वो आप वीडियो के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं, बाई डायरेक्शनल ओवर राइट। HTML में हम देखते हैं कमेंट कैसे लिखते हैं, कमेंट क्या होता है, ब्राउज़र के अंदर कमेंट शो नहीं होते, ये जो कोडर होते हैं आप जैसे लोग जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं वो वेबसाइट के अंदर अपने रेफरेंस के लिए कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो कमेंट के रूप में लिखते हैं, तो हम कमेंट लिखते हैं बॉडी के अंदर ही। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम एक हेडिंग टैग देने जा रहे हैं, तो हम एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क डैश डैश और इसको क्लोज करते हैं डैश डैश एंगल ब्रैकेट से, अब इसके बीच में जो भी लिखेंगे वो कमेंट बन जाएगा। तो दिस इज अ हेडिंग, ठीक है, यहाँ पर हमने ये जो लिखा है ब्राउजर के अंदर यहाँ पर ये शो नहीं होता है, लेकिन आप इसकी सोर्स कोड देखते हैं राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे तो बॉडी के जस्ट बाद में आपको ये दिख जाएगा कि हमने यहाँ पर ये क्यों लिखा है। जैसे हम चाहते थे कि इसके नीचे क्या हेडिंग टैग शुरू हो फिर पैराग्राफ शुरू हो, तो ये जहाँ जहाँ पे भी आप लिखते जाओगे, ये अलग लाइन में भी लिख सकते हो, लाइन के अंदर भी लिख सकते हो, जैसे ये पैराग्राफ ख़त्म हुआ है इसके बाद में हमने लिखा है कि यहाँ पर पैराग्राफ शुरू हो रहा है और इसमें सम बेसिक फॉर्मेटिंग ये हमने लिख दिया है, तो ये डैश डैश और ये क्लोज, ये रिफ्रेश। तो देखिए अभी हम देख रहे हैं ब्राउजर के अंदर, ब्राउजर के अंदर जो भी कमेंट हम लिखेंगे ब्राउजर उसको रेंडर नहीं करता है, उसको ऐसे देखता है जैसे वो वहां पर मौजूद ही नहीं है, जबकि अगर सोर्स कोड हम देखें तो सोर्स कोड के अंदर हमें दिखाई दे जाता है ये कमेंट है, ये कमेंट है, ये सिंगल लाइन के अंदर लिखा है। अगर इसका हम ये जो कोड है ये इसको अगले लाइन पे ले जाएं, यहाँ से कट करा और इसको ब्लॉक कोड से पहले तक ले गए यहाँ पर, तो इसके अंदर जो कुछ भी आ रहा है जितना भी टैग आ रहा है या जो कुछ भी आ रहा है वो सारा का सारा यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि ब्राउज़र कमेंट को रेंडर ही नहीं करता है। तो आप इससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे कि हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट हेडिंग टैग है वो शो ही ना हो, तो ये हेडिंग टैग से ऊपर हमने ये कमेंट शुरू कर दिया और क्लोज कहाँ पे कर रहे हैं हम,
इस ब्लॉक कोड से पहले तक। इसको यहाँ से हटा के रखते हैं सिर्फ इस हेडिंग के यहाँ तक। तो ये हेडर लिख तो रखा है हमने यहाँ पर, लेकिन ये ब्राउजर में रेंडर नहीं करेगा। ये देखिए ऊपर से हेडिंग गायब हो गया। जैसे ही आप ये हटाएंगे और सेव करेंगे, ये वापस से ब्राउजर के अंदर शो हो जाएगा। ये ऊपर वाला हेडिंग टैग गायब हो गया था, वापस आ गया। तो आप कमेंट से बहुत सारे काम कर सकते हैं, सिमेंटिक्स बना सकते हैं, रेफरेंस के लिए कुछ लिख सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर किसी कोड को हाइड कर सकते हैं। HTML में हम कलर्स की बात कर रहे हैं। कलर्स को तीन तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट कलर का नाम लिख दें, आपको जैसे जो जो कलर का नाम पता है वो लिख दें। जैसे अभी टेक्स्ट कलर अपने ये फर्स्ट वाले हेडिंग के अंदर कर रहे हैं, ये हेडिंग रहा और ये कलर, ये येलो कलर आ रहा है। इस येलो कलर की जगह कुछ और कलर लाना चाहते हैं तो वहां पर नाम लिखते हैं, जैसे टोमेटो ये कलर का नाम है। ये रिफ्रेश करा तो ये देखिए टोमेटो के रूप में आ गया। ऑरेंज ये सेव करा, ये ब्राउजर को रिफ्रेश करा, ये ऑरेंज कलर के अंदर आ गया। इसका बैकग्राउंड कलर गायब करते हैं, टेक्स्ट अलाइन ठीक है, बैकग्राउंड कलर जितना भी बैकग्राउंड कलर H1 पे दे रखा है वो हटा देते हैं। ये कंट्रोल S, ये देखिए अब प्रॉपर तरीके से आपको कलर दिखाई देगा। ये ऑरेंज कलर आ गया, VOILET वॉयलेट कलर, ये रिफ्रेश, VIOLET वॉयलेट, ये सेव करा, ये रिफ्रेश करा, WT कंट्रोल S, ये रिफ्रेश, ये देखिए वॉयलेट कलर आ गया। अगर आपको कलर के नाम पता है तो आप लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है RGB वैल्यूज। चलिए इसे स्टाइल को हटाते हैं ताकि वो सभी के अंदर अप्लाई हो कंसिस्टेंटली, और कलर हम यहाँ पर चूज करते हैं H1, एक ही कलर रखते हैं ब्लू। ये देखिए सब में ब्लू कलर आ रहा है H1 के अंदर। अब यहाँ कलर कोडिंग हमने कलर देके देख लिया, कलर का नाम देके देख लिया। अब हम यहाँ पे RGB कलर के अंदर लिखते हैं RGB, और इसके अंदर तीन कलर वैल्यू होती है 0, 0, 0। ये ब्लैक के लिए होता है, फर्स्ट होता है रेड, दूसरा होता है ग्रीन और तीसरा होता है ब्लू। तीनों का कितना मिक्सचर अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर जीरो मिक्सचर इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक बनता है। अगर तीनों का टोटल फुल वैल्यू ले आते हैं तो 0 से लेके 255 तक की वैल्यू होती है, तो ये फुल कलर ले रहे हैं हम 255 और 255। यानी रेड को 255 ले लिया, ग्रीन को 255 ले लिया और ब्लू को भी 255 ले लिया। ये फुल कलर वैल्यू कहलाती है वाइट की। तो ये देखिए वाइट, तो वाइट बैकग्राउंड भी वाइट है, अपने टेक्स्ट भी वाइट है, तो टेक्स्ट वहाँ पर है तो सही लेकिन दिख नहीं रहा। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे वो दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी टेक्स्ट तो है पर दोनों का कलर सेम होने की वजह से ये हाइड हो गया है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो बैकग्राउंड कलर है वही आपके टेक्स्ट का कलर देकर उस चीज को वहां से हाइड कर सकते हैं विजुअल फॉर्म के अंदर, लेकिन वो चीज वहां पर एज इट इज रहेगी। हम चाहते हैं रेड कलर हो 0, ग्रीन कलर हो 0 और ब्लू कलर हो 255, तो उससे टोटल ब्लू कलर ही आ रहा है। ये देखिए रिफ्रेश करते हैं ब्लू कलर, ब्लू कलर के अंदर वेरिएशन कुछ कम करना चाहते हैं, जैसे मैंने 150 तो लाइट शेड के अंदर आ जाएगा ये ब्लू कलर, 150 डार्क के अंदर जा रहा है, सॉरी
मैं जीरो की तरफ जाऊंगा तो डार्क की तरफ जाएगा, और हाई वैल्यू की तरफ जाऊंगा तो ये लाइट की तरफ जाएगा। ये देखिए अभी ये लाइट हो गया। अगर मैं यहाँ इसको लेके आता हूँ 100, तो ये डार्क की तरफ जाएगा। ये देखिए, चलिए रेड कलर को हम कर देते हैं 255 और बाकी को जीरो रहने देते हैं, तो इससे कलर रेड आ रहा है हमारा। रेड की जगह बीच वाली वैल्यू को फुल कर देते हैं 255 और सेव करके देखते हैं, तो ये कलर आ रहा है हमारा ग्रीन कलर। आप कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 150 रेड डाल दिया, 255 ये डाल दिया, और चलिए फुल कलर वैल्यू लेते हैं 255। रेड और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो क्या कलर बनेगा, येलो। और ग्रीन और ब्लू को मिक्स करेंगे तो क्या कलर बनेगा, ये रेड हमने जीरो कर दिया, ग्रीन को 255 और ब्लू को भी 255। एक्वा कलर, ये 150 रेड मिक्स कर दिया इसके अंदर। ये देखिए इसकी वैल्यू थोड़ी सी 100 कर दी। ये देखिए कलर वैल्यूज चेंज होती जा रही है, 50, 100, और ब्लू की वैल्यू कम कर देते हैं, ब्लू को भी 100 कर देते हैं। ये रिफ्रेश, ये देखिए टील कलर बन गया है। तीसरी वैल्यू होती है हेक्साडेसिमल वैल्यू, हेक्स कोड। हेक्स की शुरुआत होती है हैश से, और हैश लिख के आप उसमें दो दो पेयर के अंदर कलर कोड दे सकते हैं। जैसे 00 मैं लिखता हूँ यहाँ पर, 00 फिर 00 फिर 00, ये 0 से लेके F तक वैल्यू होती है। हेक्साडेसिमल 0 से F तक चलता है, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू है 0। तो मैंने यहाँ पर तीन पेयर लिखे हैं, पहला पेयर है रेड के लिए, दूसरा पेयर है ग्रीन के लिए, और तीसरा पेयर है ब्लू के लिए। तीनों को ही 00 कर दिया है तो ब्लैक कलर हमारा बन रहा है। अगर ये सारे के सारे पेयर सेम है, तीनों के तीनों पेयर में सेम वैल्यू आ रही है, तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप 0003, तो वो उसको भी एज इट इज ही रेंडर करेगा। ऐसे ही मैं एफ 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 यानी सारे पेयर एफ एफ कर दो, तो एफ एफ फिर एफ एफ फिर एफ एफ, तो ये तीनों कलर रेड ग्रीन और ब्लू को फुल वैल्यू कलर दे दिया तो वाइट कलर बन गया। तो इसको भी शॉर्ट में एफ 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 लिख सकते हैं और उसको एज इट इज रेंडर करेगा। 01 वन एफ 55, ये कलर का कॉम्बिनेशन हमने लिखा और रिफ्रेश करके देखा तो ये इस तरीके से कलर हमारे सामने आ गया। तो आप 00 से लेके 0 से लेके एफ तक 0 1 2 3 4 5 और 9 तक, 9 के बाद में ए बी सी डी ई एफ यहाँ तक की वैल्यूज लिख सकते हैं। हम इसको सर्च करते हैं HTML कलर कोड लिख के गूगल में सर्च करते हैं, तो ये देखिए HTML कलर कोड कलर पिकर ये आ रहा है। HTML कलर कोड को हम ओपन करते हैं, ये देखिए ये जो वैल्यू लिखी हुई है हेक्साडेसिमल के अंदर लिखी हुई है, ये वैल्यू लिखी हुई है RGB के अंदर लिखी हुई है, और ये HSL लिखा हुआ है, ह्यू सैचुरेशन, ये देखिए आप किसी भी कलर पे क्लिक करेंगे पर्टिकुलर उसका कलर कोड आपको वहां पर शो कर देगा। तो ये है htmlcolorcodes.com। अब इसमें से जिस भी कलर पे क्लिक करेंगे आपको एक्स में भी दिखा देगा, RGB में भी दिखा देगा कलर की वैल्यू क्या है।
यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको ग्रीन के अंदर चाहिए, ग्रीन में कौन सा ग्रीन चाहिए, वाइट की तरफ चाहिए, ब्लैक की तरफ चाहिए, या दोनों के इन बिटवीन चाहिए। तो आप जो भी कलर करेंगे वो कलर यहाँ पे प्रीव्यू होगा और उसका हेक्साडेसिमल कोड आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे ब्लू के अंदर आए हम, ब्लू के अंदर और इस कलर का मिक्सर, या रेड की तरफ आ रहे हैं, रेड और इसके अंदर पिंक के अंदर मिक्स, ये कलर हमें चाहिए, तो इस कलर की वैल्यू हेक्साडेसिमल में ये है, ये हमने कॉपी करी और ये हमारे कोड में लगा देते हैं। कंट्रोल वी कंट्रोल एस, ये हमारा कोड रहा, रिफ्रेश करा, डबल हैश हो गया, ये एक हैश हटाया, सेव करा और ये रिफ्रेश, ये देखिए कलर कोड हम लिख गया। तो आपको कलर कोड तीनों तरीके से समझ में आ गया, कलर का नाम लिख सकते हैं, RGB में वैल्यू लिख सकते हैं और हेक्सा डेसिमल के अंदर लिख सकते हैं। इसमें RGB में एक और चीज़ होती है, RGB A कलर, A स्टैंड्स फॉर अल्फा। चलिए हम RGB A को भी डिफाइन कर देते हैं, RGBA RGBA, वही सेम तरीके से अब चौथी वैल्यू अल्फा की भी शामिल होगी, जैसे 000 ये कॉमा देते हैं, ब्लैक कलर कर रहे हैं, और अल्फा की जो वैल्यू देंगे वो 0 से लेके 1 के बीच में होगी। जैसे हमने कहा 0.5 50% अल्फा, तो ब्लैक के अंदर 50% अल्फा, ये 9 कंट्रोल एस, ये देखिए 9 के अंदर ऐसा जा रहा है, ये पूरा 0 कर दिया तो पूरा 0 हो गया, पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। 0.1 थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी देख रही है इसके अंदर, और 4 ट्रांसपेरेंसी कम करी और 9 के ऊपर जाएंगे तो ट्रांसपेरेंसी और कम हो जाएगी। ये ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए अल्फा का इस्तेमाल किया जाता है, कोई सा भी कलर आप करेंगे वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये देखिए हमने स्टाइल मिक्स कर रखी है यहाँ पर, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है और बीच में हमने कुछ यहाँ पे लिख रखा है। ये जो हमने लिख रखा है ये इनलाइन स्टाइल है। अब हम स्टाइल को एक नई फाइल के अंदर लेके जाते हैं, तो हम एक नई फाइल बना देते हैं और वो उसका नाम रख देते हैं style.css। फाइल सेव एज, कहाँ पर सेव करना है, डेस्कटॉप के अंदर, अशोक सर के अंदर, style style.css कास्केड स्टाइल शीट, और ये सेव कर दिया हमने CSS के रूप में। अब यहाँ से हम कोड अलग अलग कर देते हैं, जैसे कि हमारे ये H1 का था, ये H1 उठा लेते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, ये H1 कोडिंग हो गई। ये स्टाइल टैग यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर हमने P के अंदर दे रखा था, ये यहाँ से हटा देते हैं और कहीं दे रखा है, ये कलर बैकग्राउंड कलर ये यहाँ से हटा देते हैं और कहीं नहीं है स्टाइल, ये बैकग्राउंड कलर हमने दिया था पैराग्राफ को, ये कलर, ये एक लाइन में भी लिख सकते हैं और अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं, यहाँ स्पेसेस और एंटर्स को इग्नोर करता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस फाइल को उस तरफ लिंक कैसे करेंगे,
तरफ लिंक करने के लिए वही हैड टैग के अंदर आपको देना है लिंक और रिलेशन स्टाइल शीट और एचरेफ टैग। हाइपरलिंक जैसे दिया था हमने वैसे ही देंगे, पर ये लिंक टैग से होगा, लिंक एचरेफ इज इक्वल टू style.css स्टाइल डॉट सी एस एस। ये लिंक टैग के अंदर हमने सी एस एस दे दिया, ये सेव करा, इस फाइल को भी सेव करा। ब्राउजर के अंदर हम रिफ्रेश करते हैं, ये सारा का सारा गायब हो गया। RL equal to relation is equal to style sheet stylesheet style sheet double quote close space link relation style sheet href is equal to style.css। ये देखिए, ये refresh करा और ये जिस tag पे लगा हुआ है उस tag के ऊपर हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ब्लैक कलर के अंदर अल्फा दे रखा है, यहाँ पे हम दे देते हैं ग्रीन को 255। या देखिए हेडिंग का कलर भी ग्रीन के अंदर अल्फा के साथ मैच आ रहा है। और कॉम्बिनेशन दे देते हैं रेड और ग्रीन का मिक्स, तो ये येलो के अंदर आ रहा है। ये एच, ये पी, ये टैग को डायरेक्ट लिखते हैं हम इसके अंदर सी एस एस फाइल के अंदर। और लिंक कैसे करते हैं, लिंक टैग से, लिंक टैग के अंदर एट्रीब्यूट लिखेंगे रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, एचरेफ एट्रीब्यूट में लिखेंगे फाइल का नाम, सी एस एस फाइल का नाम स्टाइल डॉट सी एस एस। तो इस तरीके से ये सी एस एस के कोड बिल्कुल सेपरेट हो गए और आपके एच टी एम एल के कोड बिल्कुल सेपरेट हो गए। तो इससे नीट एंड क्लीन फाइल रहती, ब्राउजर में फास्ट रेंडर करती है। चलिए डायरेक्ट कलर के नाम ही दे देते हैं अल्फा के साथ में, इसको रेड कलर दे दिया, इसको ब्लू कलर दे दिया। ये रिफ्रेश, देखिए डायरेक्ट रेड ब्लू बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर को हम RGBA अल्फा के साथ में लिखते हैं RGBA, और ग्रे कलर करते हैं 0.0.0.1। ये ट्रांसपेरेंसी के साथ में, ये देखिए ये हमारा कोड है और ये रेंडर होने के बाद में इस तरीके से देख रहे हैं। आप टेक्स्ट की फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं फॉन्ट डैश फैमिली और उसकी वैल्यू। अगर आपके किसी नाम के अंदर स्पेस आ रहा है तो वो आप कोट के अंदर लिखेंगे, जैसे वर्डाना कर दिया हमने, तो जितना भी पैराग्राफ होंगे सबकी फॉन्ट फैमिली चेंज होके वर्डाना हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हम इसकी H1 की भी फॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं एंड H1 की फॉन्ट फैमिली को कुरियर कर देते हैं CURIER। ये सेव करा और ये रिफ्रेश, ये देखिए ये कुरियर फैमिली हो गई, ये वर्डाना फैमिली होगी, फॉन्ट फैमिली वर्डाना। एक प्रॉपर्टी और है इसके, बॉर्डर BORDER बॉर्डर, बॉर्डर की मोटाई आपको कितनी रखनी है वो px के अंदर रखेंगे, जैसे हमने 5px का 5px। फिर किस तरह की होगी सॉलिड और उसका कलर क्या होगा ब्लू, तो
तो ये बॉर्डर की पूरी इस तरीके से एक लाइन में डिफाइन करेंगे कि कितना पीएक्स का आएगा, सॉलिड आएगी, डॉटेड आएगी या डैश्ड आएगी, वो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो हमने सॉलिड करा कंप्लीट लाइन के लिए और कलर का नाम दे दिया ब्लू। तो ये H1 टैग के ऊपर एक बॉर्डर लगाया हमने। तो देखिए H1 टैग जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ सब जगह एक साथ में ये बॉर्डर लग गया है। नए CSS के अंदर ID और क्लास से आप बहुत सारे स्टाइल शीट के अंदर कलर दे सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे हर हेडिंग को मैं एक अलग अलग ID दे दूँ तो हर ID हर हेडिंग अलग अलग तरीके से डिफाइन होगी। जैसे हम यहाँ पर HTML में देते हैं, सबसे फर्स्ट वाली जो हेडिंग है उसको ID दे दिया हमने। ID इज इक्वल टू माई FIRST फर्स्ट हेडिंग HEADING। ये अलग तरीके से आइडेंटिफाई हो रहा है। तो ये पहला पहला जो है उसकी एक ID बन गई है। ID सिर्फ एक ही दे सकते हैं, क्लास हम बहुत सारी दे सकते हैं। अभी हम सबसे पहले ID की बात कर लेते हैं। तो ये ID दिया है माई फर्स्ट हेडिंग, ये सेव करा। और CSS के अंदर अब इस ID के ऊपर कुछ कलर लगाना है तो ID के साथ हमेशा हैशटैग के साथ में लिखते हैं। तो हैशटैग के साथ में ID का नाम लिख देते हैं, फिर वही कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जो प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, फॉन्ट कलर या सिर्फ कलर, फॉन्ट फैमिली। अगर फॉन्ट का कलर लगाना तो सिर्फ कलर लिखेंगे। जैसे मैंने इस कलर रेड लिख रखा है तो कलर को हम कर देते हैं टोमेटो। ये रिफ्रेश करा तो देखिए सिर्फ इसी का कलर चेंज होकर टमेटो हो गया। टमेटो अगर रेड और टमेटो में अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसको ग्रीन कर देते हैं। ये फॉन्ट कलर ग्रीन कर दिया, ये सेव करते हैं। और ये देखिए जिस पे हमने ID दिया था सिर्फ उसी का कलर चेंज हो रहा है, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं इसका बॉर्डर भी डिफरेंट आ जाए तो देखिए डॉटेड रेड। फाइव PX सॉलिड रेड, ये रिफ्रेश करा तो ये देखिए 5px, 1px कर देते हैं तो ये देखिए 1px सॉलिड रेड कलर के अंदर हमारा हेडिंग। इसी प्रकार हम क्लासेस भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये ID शब्द लिखा है वैसे ही क्लास लिखना है। यहाँ हम देते हैं नीचे हमने हेडिंग टैग्स दे रखे हैं बहुत सारे H3 के अंदर CLASS क्लास इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्लास का नाम दे देते हैं। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ माई रेड। ये माई रेड नाम की एक क्लास बनाई है और क्लास को हमेशा डॉट से यहाँ शुरू होता है तो डॉट माई रेड। और यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया जो मेरा रेड कलर है उसको मैं टोमेटो के रूप में लिख देता हूँ यहाँ पे कलर टोमेटो। तो ये जो जिस पे भी डॉट रेड माई रेड कलर की क्लास लगेगी उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये फाइल सेव, कंट्रोल एस माई रेड, ये रिफ्रेश। यहाँ देखिए ये माई रेड, जिस जिस पे भी ये क्लास लगाएंगे उसका वो कलर चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये क्लास यहाँ पर है, ये क्लास हम डिफाइन कर देते हैं इस पैराग्राफ के ऊपर। ये पैराग्राफ क्लास इज इक्वल टू माई रेड, पहला ही पहला पैराग्राफ
ये पहला पैराग्राफ, ये रिफ्रेश, ये पहला पैराग्राफ नहीं है, ये इसके ऊपर एक और पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है। तो सेकंड पैराग्राफ पे माय रेड, तो इसका कलर चेंज हो गया माय रेड। वहां जिस जिस पे भी लगाएंगे वो माय रेड क्लास वहां पे हो जाएगा। एक और क्लास बना देते हैं पैडिंग, ये पैडिंग नाम की एक और क्लास। तो एक ही क्लास में एक से ज्यादा नाम लिखने के लिए स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। हेडिंग में हम आईडी के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते, आईडी में सिर्फ एक ही नाम आएगा केवल, पर क्लास के अंदर हम एक से ज्यादा क्लास इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक ये डॉट पी ए डब्ल आई एन जी पैडिंग नाम की एक क्लास और बना दी, इसके अंदर हम पैडिंग देते हैं पी ए पैडिंग टेन पी एक्स, ये रिफ्रेश। तो ये देखिए जिसके अंदर भी ये पैडिंग क्लास दे रखी है उसके अंदर 10px, तो यहाँ पे पैडिंग क्लास दे रखी है तो 10px की पैडिंग मिल गई। जैसे मैं यहाँ 50 कर देता हूँ, ये कंट्रोल एस, ये रिफ्रेश। तो ये देखिए पैडिंग होती है बॉर्डर के इनसाइड के अंदर पैडिंग, और बॉर्डर के बाहर की तरफ होता है मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये इस पे दिखाते हैं आपको margin मार्जिन 10px। माय फर्स्ट हेडिंग कहाँ पर है, माई फर्स्ट हेडिंग जहां जहां पे भी होगी वहां पे एक 10px का मार्जिन लग जाएगा। ये देखिए मार्जिन बढ़ा देते हैं 40, ये रिफ्रेश। देखिए जहां जहां पे भी माई फर्स्ट हेडिंग टैग लिखा हुआ है वहां पर 40px का लग गया। अब माय फर्स्ट हेडिंग एच किस में लगा रखी है वो देख लेते हैं हम। ये यहां पर है माय रेड, सबसे फर्स्ट वाली हेडिंग के अंदर, ये यहां पर इसके साथ में इस ये बॉर्डर रेड कलर का बॉर्डर है और बॉर्डर के बाहर की तरफ 10px मिल रहा है। कैसे देते हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट चार पैडिंग को, अभी सिंगल में दिया है तो ये चारों तरफ इक्वल आ रहा है। ये 40px दिया है सब तरफ, ये हमने करा 10px स्पेस देकर 50px स्पेस देकर 25px स्पेस देकर 50px चार दिया है। ये सबसे पहले टॉप का 10, ये रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए टॉप से 10, राइट के अंदर 50, बॉटम के अंदर 25 और लेफ्ट के अंदर 50। तो ये राइट और लेफ्ट दोनों तरफ 50-50 दिया है। और ये अगर इसको दो के अंदर ही देना है तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के अंदर भी दे सकते हैं। तो टॉप और बॉटम में तो 10px लगे और लेफ्ट राइट में 50px लगे। कंट्रोल एस, रिफ्रेश। ये देखिए टॉप में बॉटम में 10px, लेफ्ट राइट में 50px। और तीन वैल्यू देते हैं तो वो इस तरीके से आएगी, सबसे पहली टॉप, फिर आएगी ये लेफ्ट राइट की और ये बॉटम की, ठीक है। तो इसको कर देते हैं 30 30 55।
टॉप के अंदर 30 मिली है, लेफ्ट राइट के अंदर 50 मिली है और बॉटम के अंदर 5px मिला है। तो 5 की जगह मैं चेंज करके 105 कर देता हूँ। ये रिफ्रेश, तो देखिए नीचे से 105, ऊपर से 30px और लेफ्ट राइट से 50px। तो ये अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो। अगर आपने सब तरफ एक ही लगाना है बराबर, तो एक सिंगल वैल्यू में डिफाइन कर सकते हो, ये सिंगल वैल्यू के अंदर सब तरफ 30px। अब इसी के अंदर पैडिंग लगाते हैं, तो पैडिंग होती है बॉर्डर से अंदर की तरफ, पैडिंग, और पैडिंग में दे देते हैं ये भी 50px। तो ये अंदर की तरफ भी 50px। तो देखिए बॉर्डर से अंदर की तरफ सब तरफ 50 50 50 चल रहा है 50px। तो ये कास्केड स्टाइल शीट की बेसिक्स हमें थोड़ी सी जानकारी ली कि टैग, डायरेक्ट टैग नाम लिख सकते हैं, फिर H1 टैग, पैराग्राफ टैग, ID को हैश के साथ में लिखते हैं और क्लास को डॉट के साथ में लिखते हैं। CSS की बाकी मेन CSS की क्लास में हम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल CSS का इंट्रो था कास्केड स्टाइल शीट का। एक हाइपरलिंक बनाते हैं हम, यहां पर हाइपरलिंक ऑलरेडी बना रखा है, जैसे ये कॉन्टेक्ट अस का बना रखा है हमने, ये हाइपरलिंक, ये रहा कॉन्टेक्ट अस। जब यहां पर क्लिक करते हैं तो ये इसी पेज के अंदर खुल जाता है। हम चाहते हैं कि ये हाइपर टेक्स्ट जो है लिंक, इस पर क्लिक करें तो नए टैब के अंदर या नए पेज के अंदर ओपन हो। तो उसके लिए बस एक प्रॉपर्टी देनी होती है केवल, टारगेट, TARGET, टारगेट एट्रीब्यूट, और वैल्यू आएगी अंडरस्कोर BLANK blank, target underscore blank। तो जब हम इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, अब जब मैं इस हाइपर लिंक पे क्लिक करूं, बैक कर लें, ये हमारा पेज आ गया, ये रिफ्रेश कर लिया, और ये कॉन्टेक्ट अस के लिंक पे मैं क्लिक कर रहा हूं, अब ये एक नए टैब में ओपन हो रहा है। तो आप हाइपरलिंक के अंदर टारगेट ब्लैंक भी कर सकते हैं नए टैब या पेज में ओपन करने के लिए। अब हम सीखते हैं HTML की टेबल के बारे में। नॉर्मली टेबल के बारे में आप जानते ही हैं, जैसे कि एक टेबल बनाई, इस टेबल के अंदर ये इसकी रो हुई पूरी की पूरी रो, ये रो 1, रो 2, रो 3। इसी तरीके से ये हुआ इसका कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। रो और कॉलम आपस में जहां मिलते हैं वो कहलाता है सेल। जैसे ये वाला पहला सेल, पहली रो और पहली कॉलम से मिलके पहला सेल बन रहा है। तो ये बेसिक्स हैं इसके, रो, कॉलम और सेल, ठीक है। तो टेबल को जब हम डिफाइन करते हैं तो टेबल की शुरुआत होती है टेबल टैग से, ये टेबल और ये स्लैश TABLE टेबल टैग क्लोज। अब इस टेबल के अंदर सबसे पहले आती है रो, टेबल रो, ये टेबल रो ओपनिंग और ये टेबल रो क्लोजिंग। एक ही लाइन में कहूं तो ये टेबल रो और टेबल, इसके अंदर आता है सेल के रूप में टेबल डेटा,
कितने सेल लिखने हैं उतने ही टेबल डेटा आपको लगा देना है। तो मैं इसको एक अलग लाइन में ले जाता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं टेबल डेटा, ये टेबल डेटा और ये स्लैश टेबल डेटा। ये वाला जो टेबल डेटा है इस फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाले को। एक और टेबल डेटा देते हैं, ये टीडी और ये स्लैश टीडी। ये जो सेकंड टेबल डेटा है ये इस सेकंड वाले को रिप्रेजेंट करेगा। और एक और लिखते हैं टीडी स्लैश टीडी। ये जो तीसरा टेबल डेटा है ये इस वाले सेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कॉलम हुआ, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, इस तरीके से। तो ये एक रो बनी है, हमें इसकी दूसरी कॉपी बनानी है। तो हमने ये दूसरी कॉपी बना ली, दूसरी टेबल रो शुरू करी। उसके अंदर कितने टेबल डेटा टेबल डेटा टेबल डेटा करेंगे, तीन है तो तीन, ठीक है। ये देखिए, ये जो ऊपर हमने टेबल बनाई है उसके लिए हमें ये सारे के सारे कोड लिखने पड़ेंगे कि टेबल से शुरू होगा, टेबल पे क्लोज होगा, उसमें कितनी टेबल रो है, ये पहली टेबल रो, ये दूसरी टेबल रो, ये तीसरी टेबल रो, और हर टेबल रो के अंदर कितने टेबल डेटा है, ये टेबल। अभी इसके अंदर टेबल में कुछ भी नहीं लिख रखा है तो ये खाली खाली है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ एन ई वन, तो वन यहाँ पे आना चाहिए। तो ये पहली टेबल रो के पहले टेबल डेटा के अंदर है तो ये यहाँ पर वन आएगा। तो ये जो वन यहाँ लिखा है वो इस सेल के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। ये लास्ट में लिख रहा हूँ एल ए एस टी लास्ट। तो ये जो मैंने लास्ट लिखा है लास्ट टेबल डेटा, तो ये यहाँ का लास्ट है एल ए एस टी लास्ट। और ये मिड वाला है, ये मिड मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मिड यहाँ पे शो होगा इस जगह मिड, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, हमारे कोड के अंदर लिखते हैं इसको। ये टेबल बनाई और वन मिड और लास्ट ये लिखा है हमने, और ब्राउजर के अंदर हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको एक नई फाइल के रूप में सेव कर देते हैं बॉडी के अंदर। ये कमेंट ये सब कुछ गायब कर दिया, फाइल सेव एज और 03 TABLE टेबल के नाम से सेव कर देते हैं, 03table.html ये सेव। तो हमें यहाँ पर वो फाइल ओपन करनी है, जीरो थ्री टी ए पी एल ई डॉट एच टी एम एल और एंटर। ये देखिए, ये जो कोड हमने लिखा है ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव कर देते हैं स्पेसिंग देके ताकि इजीली समझ में आए। ये पहली रो, दूसरी रो में हमने कुछ भी नहीं लिखा, तीसरी रो में हमने कुछ भी नहीं लिखा। चलिए यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, जैसे वन ये दूसरा टेबल डेटा शुरू है, टू और ये थ्री। ये रिफ्रेश, ये पहले सेव करा फिर ये रिफ्रेश करा, तो देखिए वन के नीचे वन, मिड के नीचे टू, लास्ट के नीचे थ्री। इसी तरीके से इसके अंदर भी कुछ वैल्यूज भर देते हैं, 10, 20, 30 भर देते हैं। ये 10, ये 20 और ये 30। ये सेव करते हैं, रिफ्रेश। तो ये देखिए, अभी हमें यहाँ पर बॉर्डर शो नहीं हो रहा। इसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो हम CSS से कंट्रोल करेंगे। तो हमने ये सेम ही स्टाइल लिख रखी है, वही स्टाइल फाइल है। स्टाइल फाइल के अंदर हम यहाँ पे एक
table, table, और इसके अंदर कर देते हैं border, ये रहा border, ये लिख देते हैं border यहाँ पर 5 की जगह 1px, control s और ये refresh करते हैं तो ये देखिए border हमें यहाँ पर दिखाई दिया, border outside border दिखाई दिया है, अभी td के अंदर हमें नहीं दिखाई दिया है, हमें बाकी की भी properties लगानी पड़ेगी कि ये table के अंदर भी दिखाई दे और table data के लिए भी दिखाई दे, तो ये हमने comma लगा के दोनों के लिए एक property set कर दी, ये देखिए 1 1 10, mid 2 20, last 3 30, तो ये हमें border के रूप में दिखाई दे रही है। चलिए इसको अलग ही करते हैं, ये टेबल डेटा हो गया, ये टेबल हो गया, और टेबल के अंदर एक विड्थ प्रॉपर्टी और डालते हैं width विड्थ 300px, तो इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ के हो जाएगी 300px तक। ये यहां पर आप देख रहे हैं तो ये दो दो लाइनें आ रही है, ठीक है, एक लाइन तो आ रही है आउटसाइड के लिए और एक लाइन आ रही है सेल के लिए टीडी के लिए, हम चाहते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से एक ही लाइन दिखाई दे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बॉर्डर को कॉलेप्स करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर कॉलेप्स, बॉर्डर डैश कॉलेप्स और वैल्यू भी आएगी कॉलेप्स, ये हमें देना पड़ेगा टेबल के ऊपर और टेबल डेटा दोनों के ऊपर, ये टेबल के अंदर और ये टेबल डेटा दोनों के अंदर ये वैल्यू हमने लिख दी, पर इस केस में यहां पर ये दो जगह पर आ रहा है। आप सीएसएस को डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगह करना चाहें तो अलग अलग जगह भी कर सकते हैं, जितना कम कोड रहेगा उतना ही बेहतर रहेगा, जैसे कि इन दोनों में कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी है उसको हम एक अलग के अंदर ही ले जाते हैं, तो वो कैसे ले जाएंगे कि वो टेबल में भी लगे और टेबल डेटा में भी लगे, वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो दोनों में कॉमन है, बॉर्डर कॉलेप्स वाली, तो ये दो जगह लिखने की जगह है हम यहाँ पर एक जगह लिख देते हैं और यहाँ से मिटा देते हैं, तो ये टेबल पे भी लगेगा और टेबल डेटा पे भी लगेगा, देखिए परफेक्ट वर्क कर रहा है, तो इससे हमारा कोड कम हो जाता है। टेबल के अंदर हम देखते हैं कॉल स्पैन और रो स्पैन को, सबसे पहले हम देखते हैं कॉल स्पैन को, जैसे हमें इन दोनों को मिलाना है ऊपर की ये मिलके एक हो जाए, दोनों के दोनों सेल मिलके एक हो जाए, या तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेल वैल्यू को कम कर देनी है, यहाँ पर ये मिड वाला मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ और ये फर्स्ट टीडी के अंदर एक वैल्यू लिखनी है हमें कॉल स्पैन, COL कॉल SPAN कॉल स्पैन, और कितना स्पैन कर रहा है वो, दो स्पैन कर रहा है, तो इसमें 1 - mid ये लिखा हुआ जाए टेक्स्ट, ये रिफ्रेश करा तो देखिए वो दोनों सेल मिलकर एक हो गए और वहां नया टेक्स्ट आ गया 1 - mid। अगर हम ये तीसरा वाला भी मिटा दें तो तीनों सेल मिलकर एक हो जाएंगे, तो ये देखिए, और इसका नाम चेंज कर देते हैं कॉल डैश और ये सेव करा, ये रिफ्रेश तो देखिए 1 - all, तो ये पूरे के पूरे ऊपर की हेडिंग ये मिक्स हो गई और ये
वन डैश ऑल लिखा हुआ आ रहा है इसके अंदर, तो ये कॉलम डैश हुआ, कॉल स्पेन हुआ ये। इसी तरीके से हम दो रो को मिक्स करना चाहते हैं तो रो स्पेन करेंगे। कंट्रोल जेड करके वापस मैं आ जाता हूँ पुरानी स्थिति के अंदर। तो अब देखिए ये मिक्स करते हैं मिड और टू को, तो ये यहाँ पर वन और ये वाला, तो ये यहाँ से मैं गायब कर देता हूँ एक टू वाला, और यहाँ पर हम देते हैं रो स्पैन। टेबल डेटा में ROWSPAN रो स्पैन इज इक्वल टू, और कितनी वैल्यू देंगे दो, तो वहाँ से नीचे तक की वैल्यू आ जाए। ये देखिए वो दोनों सेल ऊपर और नीचे वाले मिक्स होके एक हो गए, और वहाँ पे मिड लिखा हुआ आ रहा है, जो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे जो लिखी हुई है वही लिखी हुई आ रही है। तो आप ऐसे रो स्पैन और कॉल स्पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वापस रिवर्ट करते हैं, ये पुरानी स्थिति में आ गया। अब यहाँ पे हम हेडिंग देना चाहें तो हेडिंग के लिए TD की जगह TH का इस्तेमाल होता है, तो ये TD की जगह TH वन एच मिड एच लास्ट एच कंट्रोल एस और रिफ्रेश। ये देखिए ये हेडिंग में लिखा है वन एच, तो ये हेडिंग वन एच, ये मिड एच और ये लास्ट एच, तो ये टेबल हेडिंग। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा मिड और लास्ट को पढ़ने में, तो ये एक ही लाइन में है, इसलिए आप यहाँ स्पेसेस को और एंटर को इग्नोर कर देते हैं, तो मैं इसको अलग अलग लाइन में लिख देता हूँ ताकि मुझे ईजिली पढ़ने में आए कि टेबल हेडिंग में पहली दूसरी तीसरी वैल्यू क्या है। ये देखिए अब ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ये सबसे पहली वाली टेबल हेडिंग है TH ओपनिंग TH क्लोजिंग, फिर TH ओपनिंग TH क्लोजिंग, और बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये सेव, ये रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ हमने इतने एंटर स्पेसेस दिए, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, पर ये दिखने में बहुत अच्छा है, ईजिली आप किसी भी सेल तक पहुँच सकते हैं। अगर आप इसके अंदर कोई कैप्शन देना चाहते हैं तो वो जस्ट टेबल के तुरंत बाद देना है, फर्स्ट टेबल रो के ऊपर कैप्शन। जैसे हम कैप्शन में लिख देते हैं माय कैप्शन, ये सेव करा, ये रिफ्रेश, ये देखिए ये माय कैप्शन टेबल के अंदर लिखा हुआ आ रहा है इस तरीके से। आप टेबल के विड्थ को पूरा कंप्लीट फैलाना चाहते हैं तो CSS के अंदर जो विड्थ हमने दे रखी है, फिक्स कर रखी है, किसके लिए, टेबल के लिए। जैसे ये 300px लिखा हुआ है, यहाँ हम कर देते हैं 100% जो अवेलेबल है वो पूरा का पूरा 100% का इस्तेमाल कर ले। ये देखिए बड़ा करा, छोटा करा, अपने आप एक्सपेंड कर रही है, कंडेंस कर रही है। एक और प्रॉपर्टी होती है टेबल के अंदर बॉर्डर स्पेसिंग, जैसे बॉर्डर स्पेसिंग दे दिया हमने 5px, तो ये टेबल के अंदर दिया है CSS के अंदर बॉर्डर डैश स्पेसिंग 5px। ये रिफ्रेश करा, ठीक है, इसकी कॉलेप्स प्रॉपर्टी हम इस वक्त मिटा देते हैं ताकि अपने को दिखाई दे, ये कॉलेप्स प्रॉपर्टी मिटा दी, और ये रिफ्रेश करके देखा ये 5px, ये 10px करते हैं, ये रिफ्रेश। देखिए सेल के बीच में स्पेसिंग आपको दिख रही है, ये बढ़ती जा रही है, ये 50px, ये 50px, वापस रिवर्ट कर देते हैं, सेल स्पेसिंग हटा देते हैं और कॉलेप्स प्रॉपर्टी
वापस कर देते हैं। इन दोनों में से एक ही लगानी है आपने। जब भी आपकी कॉलेप्स प्रॉपर्टी लगी हुई होगी, बॉर्डर स्पेसिंग का कोई इफेक्ट आपके इस पे नज़र नहीं आएगा। चलिए अब हम देखते हैं आई फ्रेम्स के बारे में। आई फ्रेम एक तरह का बॉक्स होता है जिसके अंदर आप दूसरे पेज को या वेबसाइट को दिखा सकते हैं। जैसे हम इस टेबल के नीचे एक आई फ्रेम देते हैं। आई फ्रेम के अंदर HRF की तरह वही सोर्स एट्रीब्यूट देना है आपको, SRC, कौन से फाइल को आप दिखाना चाहते हैं। जैसे हमारी यहाँ पर कुछ और पहले से फाइलें बनी हुई हैं, फर्स्ट बनी हुई है, लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट वाले लेके आते हैं 02list.html, ये फाइल हमारी वहीं पे पड़ी हुई तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 02list.html। तो ये दूसरी फाइल है पर हम इसके अंदर दिखाना चाहते हैं। ये हमने फाइल सेव कर दी और ये हमने रिफ्रेश करा तो देखिए एक बॉक्स बन के आया और उसके अंदर हमारी लिस्ट वाली फाइल यहाँ पर आ गई, ये देखिए। जब हम इसका सोर्स देखते हैं, व्यू पेज सोर्स, ठीक है, तो ये हमारी टेबल आ रही है, ये टेबल। टेबल के बाद जो पेज हम देख रहे हैं उसका सोर्स हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसके सोर्स की जगह उसका लिंक हमें दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो वहाँ पे क्लिक करके उसके लिंक को ओपन कर सकते हैं। वहाँ सिर्फ एक ही टैग है, आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम के अंदर आप किसी और की वेबसाइट को भी खोल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे खोलते हैं http://www.istartup.in। ये फाइल सेव करी और ये रिफ्रेश करा तो इसके अंदर istartup.in वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। ये देखिए istartup.in वेबसाइट ओपन हो गई। इसके अंदर भी आप हाइट और विड्थ वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ताकि आप फ्रेम को कंट्रोल कर सकें। हाइट और विड्थ जैसे 200 और 300 कर दी, ये रिफ्रेश करा तो देखिए 200-300 ये आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, हाइट आ जाए कम से कम 300 और विड्थ आ जाए 500। ये रिफ्रेश, ये देखिए विड्थ बढ़ के हो गई 500 और उसके अंदर एक नया पूरा का पूरा वेबसाइट का पेज खुल रहा है। वो एज इट इज वर्क करेगी जैसे वो करती है, पर वो उसी के अंदर वर्क करेगी। ये देखिए ये लॉगिन का खुल गया तो इसी फ्रेम के अंदर खुल रहा, तो वहां जो भी एक्टिविटी है उस पेज की उसी फ्रेम के अंदर ही रहेगी, आई फ्रेम के अंदर। अगर आप आई फ्रेम के बॉर्डर को रिमूव करना चाहते हैं तो स्टाइल टैग के अंदर बॉर्डर नन करना होगा। जैसे हमारी ये CSS दे रखी है तो यहाँ पे एक नया दे देते हैं हम बॉर्डर और बॉर्डर की प्रॉपर्टी नन, ये सेव करा, ये रिफ्रेश, ये आई फ्रेम का देना है iframe, ये सेव, आई फ्रेम के अंदर बॉर्डर नन, ये रिफ्रेश करा। अब देखिए इसकी बॉर्डर गायब हो गई, इस साइड में बॉर्डर नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ स्क्रॉल वाला दिखाई दे रहा है। अगर आप अपनी फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट को भी मर्ज करना चाहते हैं तो वो आपको स्क्रिप्ट के अंदर देनी पड़ेगी। जैसे अब इस फाइल को हम स्क्रिप्ट के रूप में सेव करते हैं, फाइल सेव एज script, नए नाम से सेव कर दिया हमने फाइल।
अब इसको ओपन भी करना होगा, 4SCRIPT स्क्रिप्ट, एंटर। ये देखिए अब ये CSS लगी हुई है, ये लिंक ऐप कर देते हैं, सारी CSS हट जाएगी, प्लेन HTML कोड। देखिए यहाँ पे समझाते हैं, हमने बॉडी के अंदर एक हेडिंग टैग लिखा है, यूज JavaScript टू चेंज, यूज JavaScript टू चेंज टैक्स, और पैराग्राफ लिखा है दिस इज द एग्जाम्पल राइट हेलो JavaScript, ये वाला। और उसके बाद एक पैराग्राफ टैग है जिसकी आईडी दे रखी है डेमो। तो हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर JavaScript लिखी, ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी ये एलिमेंट जिसकी आईडी है पी, उसके अंदर इनर HTML क्या आ जाए, हेलो JavaScript आ जाए। ये जो हेलो JavaScript है वो इस JavaScript की वजह से आ रहा है, तो हेलो JavaScript की जगह मैं जावा डैश स्क्रिप्ट कर देता हूँ, ये सेव करता हूँ, तो ये JavaScript है, अब ये जावा डैश स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट की वजह से आ रहा है डायरेक्ट, मतलब इसके अंदर कंटेंट अपने आप फिल हो रहा है JavaScript की वजह से। स्क्रिप्ट के बाद में ये एक और टैग आता है नो स्क्रिप्ट। नो स्क्रिप्ट क्या होता है कि किसी कारणवश स्क्रिप्ट डिसेबल कर रखी है आपकी JavaScript को, तो वो नो स्क्रिप्ट का मैसेज आपके ब्राउजर के अंदर आएगा, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट JavaScript। इन नो स्क्रिप्ट के अंदर हमने स्क्रिप्ट के तुरंत बाद में लिख दिया, उससे क्या होगा कि ये किसी भी कारण से स्क्रिप्ट को डिसेबल करेंगे तो वहां पर ये मैसेज आ जाएगा, तो उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट थी जो चलनी थी लेकिन डिसेबल होने की वजह से रन नहीं कर रही है। चलिए अब हम देखते हैं इसके फॉर्म्स के बारे में, इसको सेव करते हैं फॉर्म के रूप में, फाइल सेव एज, जीरो फाइव फॉर्म डॉट HTML सेव। हम इसको ब्राउजर में ओपन कर देते हैं, 05 फॉर्म एंटर। ये देखिए एम्प्टी फाइल है। फॉर्म टैग को समझते हैं हम, ये हमने फॉर्म के अंदर कोडिंग लिखी, ये फॉर्म अपने डेटा को कहाँ पर लेके जाएगा, तो एक्शन के अंदर हम लिखते हैं उस PHP फाइल का नाम, जैसे अधिकतर PHP फाइल उस फाइल का नाम लिखते हैं जहाँ पर डेटा को प्रोसेस करना होता है, वो आपकी PHP फाइल हो सकती है, ASP फाइल हो सकती है, JSP फाइल हो सकती है, किसी भी तरह की सर्वर फाइल हो सकती है जो डेटा को प्रोसेस करे। तो एक्शन में हमने उस स्क्रिप्ट फाइल का नाम लिख दिया, जैसे action_page.php कोई फाइल है उस पर डेटा को लिख के जाए, तो यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट नेम br करा, फिर इनपुट टैग दिया, सबसे पहला फर्स्ट नेम के लिए, दूसरा लास्ट नेम के लिए, और एक सबमिट का करा है, सेव करा, रिफ्रेश। चलिए इसको समझते हैं, सबसे पहले तो ये आता है, अगर आप यहाँ कुछ नहीं लिखते तो ये लेबल की तरह ट्रीट होता है, तो पहला क्या, पहला लेबल क्या है, फर्स्ट नेम, फिर एक br टैग देने की वजह से ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गया, अगर यहाँ से मैं br टैग हटा देता हूँ तो ये इन लाइन के अंदर आएगा, ए की लाइन के अंदर। ये देखिए फर्स्ट नेम स्पेस ये, तो br टैग देने की वजह से ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया है, तो हम br टैग वापस लगा देते हैं, तो ये देखिए फर्स्ट नेम, उसके नीचे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, किस तरह का इनपुट बॉक्स है, ये हमारा टेक्स्ट की तरह इनपुट बॉक्स है, और उसका नाम क्या है, ये जो पेज है इस नाम के अंदर क्या वैल्यू रखी हुई है उसके ऊपर जाएगा, तो पहले तो इसका नाम क्या है फिर उसकी वैल्यू क्या है, ये दोनों के दोनों ही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे लगानी पड़ती है, तो नेम प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी, तो नेम के अंदर फर्स्ट नेम देती है, वैल्यू के अंदर दे देते हैं एम्प्टी कर देते हैं, कोई वैल्यू नहीं देते एम्प्टी, ये कंट्रोल एस, ये रिफ्रेश। ये देखिए हमारा एक फॉर्म दिख रहा है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम, वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी,
और दो स्पेस देने के लिए, दो लाइन ब्रेक देने के लिए दो br टैग लगाएं, फिर इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। ये जो वैल्यू शब्द है ये यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ सबमिट फॉर्म, तो ये वैल्यू के अंदर सबमिट फॉर्म लिख दिया, ये यहाँ पर बटन के ऊपर मुझे दिखाई देगा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, तो ये इनपुट टाइप क्या है, सबमिट का बटन है। इनपुट टाइप बटन भी होता है, और लास्ट में इनपुट टाइप अपना सबमिट, सबमिट के अंदर हमने वैल्यू लिख दी यहाँ पर। इस सबमिट बटन पे यहाँ कुछ भी लिखेंगे हम, जैसे लिखा है अशोक, फिर लिखा है प्रशांत, ठीक है, और ये सबमिट बटन कर रहे हैं, तो ये कौन से पेज पे ले जाएगा, action_page.php, और उसके साथ में ये वैल्यू वहाँ पर दिखाई देगी हमें। ये हमने जो फॉर्म प्रोसेस करा था action_page, ये देखिए इस पेज के ऊपर ले गया। अब क्वेश्चन मार्क के साथ में जो नाम था, सबसे पहले ये फर्स्ट नेम, इस नाम के अंदर क्या वैल्यू हमने नीचे टाइप करी थी, तो वो वहाँ पर दिखा रहा है हमको, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अशोक, स्पेसेस के लिए प्लस का साइन इस्तेमाल करता है, और प्रशांत सेकंड वैल्यू, लास्ट नेम इज इक्वल टू प्रशांत, ठीक है, ये इस तरीके से दिखाता है। ये हम बैक करते हैं, ये वापस आ गया, तो ये फर्स्ट में अशोक प्रशांत पूरा आ गया ना, ये अशोक और ये प्रशांत, ये सबमिट करते इसके ऊपर ले जा रहा है। action_page.php क्वेश्चन मार्क लगा के फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अशोक एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू प्रशांत, ये बैक, ये बेसिक फॉर्म है हमारा। इनपुट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, हम टाइप देख लेते हैं इनपुट का। इनपुट टाइप टेक्स्ट, रेडियो और सबमिट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट हमने देख लिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट हमने देख लिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो और चेकबॉक्स। सबसे पहले रेडियो का देखते हैं हम, एक और br टैग लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं mail, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, वैल्यू इज इक्वल टू एम, और ये सेव करते हैं इसको। देखिए नई लाइन के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ रहा है मेल, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है मेल, फिर उसके बाद है इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, तो ये रेडियो बटन आ रहा है। जब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर एक एम वैल्यू रखी हुई, तो वो उसके रूप में भेजता है। यहाँ पर हमने नेम डिफाइन नहीं कर रहा है, नेम इज इक्वल टू जेंडर, ठीक है, ये देखिए, तो जेंडर इक्वल टू एम करके वहां पर भेज देगा। ये मेल का हो गया, एक और देते हैं फीमेल के लिए, female, फीमेल, और फीमेल के लिए एम की जगह एफ लिख देते हैं वैल्यू के अंदर, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। ये देखिए जेंडर में मेल और फीमेल, अभी हमने कोई भी सेलेक्ट नहीं कर रखा तो दोनों एम्प्टी आ रहे हैं, एक सेलेक्ट कर देंगे तो इस तरीके से आएगा। जब मैं फीमेल सेलेक्ट करता हूँ तो मेल से हट जाता है, मेल सेलेक्ट करता हूँ तो फीमेल से हट जाता है, क्यों, क्योंकि दोनों का ग्रुप एक ही है, दोनों जेंडर जेंडर ग्रुप के अंदर है, तो सेम नाम से जितने भी आप रेडियो बटन डालेंगे वो एक ही ग्रुप के अंदर रहेंगे।
गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा जेंडर के अंदर। अगर आपने सिर्फ मेल और फीमेल लिख के छोड़ दिया तो ये थर्ड जेंडर के लिए पार्शियलिटी होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक अदर का ऑप्शन और देना पड़ेगा। ये अदर लिखा और इसके अंदर इनपुट टाइप रेडियो, नेम जेंडर, वैल्यू इज इक्वल टू अदर कर दिया हमने, और ये रिफ्रेश। तो ये देखिए अदर के लिए भी ऑप्शन आ गया। तो अभी ये फॉर्म कंप्लीट होगा आपका।